हेलो, गुड इवनिंग जितेश, प्रवेश एंड दीक्षा। चलो 2-4 मिनट, 2-1 मिनट वेट कर लेते हैं। हेलो, ठीक गुड है, आवाज ठीक आ रही है। आज अपन क्लास 7 की एनसीईआरटी करेंगे। जो क्लास 7 की भी है ना, वो भी लगभग क्लास 6 का एक्सटेंशन सा ही है। ठीक है सुमन, गुड इवनिंग। दो मिनट वेट कर ले, उसके बाद शुरू करें, और लोगों को भी आ जाने दो। ठीक है, 3 लोग ही दिख रहे हैं अभी तो। अमित, राम राम। सरिका, गुड इवनिंग। क्या करना है, दो दो 3 मिनट वेट करना है। 7:35 पे स्टार्ट करें। ये भी थोड़ा गड़बड़ हो गया। शशि, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अनुराधा। रवि, नमस्कार। यस, शुरू करो। बताओ यार, 2 मिनट वेट करना है या फिर शुरू करना है? अमित, अभी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलमोस्ट ठीक ठाक रिकवर हो गया है। थोड़ी सी टायर्डनेस रहती है एक क्लास लेने के बाद भी। कल वाले क्लास लेने के बाद भी काफी टायरिंग रहा था। अब धीरे धीरे अडप्ट कर रहे हैं। पोस्ट कोरोना है, थोड़े कॉम्प्लिकेशंस तो देखने में आ तो रहे, बाकी ठीक है, मतलब ओवरऑल इट्स फाइन। सिद्धांत, गुड इवनिंग। मीनू, गुड इवनिंग। ठीक है चलो, अभी अपन शुरू कर देते हैं। 10 लोग तो आ ही गए हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट नाउ। और उसके बाद देखो, आज यही फिर अपने को देखना है कि पहला जो चैप्टर है क्लास 7 का, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो अपन अगेन, जो जो अंकित नमस्कार, गुड इवनिंग। सोनिया, जो जो अपने काम की चीज है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज है, वही अपन देखेंगे। शशि, अभी आपकी तबीयत कैसी है? दिन में आपकी तबीयत थोड़ी खराब थी। ठीक है, ओके। तो देखो, पहले तो न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन तो जो भी खाना अपन लेते हैं, ठीक है, तो वो अपना क्या हो जाता है, न्यूट्रिशन। तो प्लांट्स के फॉर्म में भी यही रहेगा। तो अपन ने थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ में कल भी देखा था, जैसे क्लैप मैंने बताया था, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स, ये अपने न्यूट्रिशन में आते हैं। तो इसी में ही आगे अपना क्या है, अब देखो, सिर्फ अपना इसका पर्पज है कि भाई जिंदा हूं। क्या हुआ, तबीयत ज्यादा ही खराब हो रही है क्या? ऑल गुड। तो इसमें अभी अपना जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स में भी यही न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं। तो इसमें अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है कि खाना कैसे ले रहे हैं। ठीक है, गुड इवनिंग प्रियंका। यस, आई एम फाइन एंड रिकवरिंग वेल, थैंक यू। गुलशन, नमस्कार। ठीक है, तो देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखो, प्लांट्स है, प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसमें अपन जैसे खुद कैसे बनाएंगे, ये वाटर, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स और इन सब से बनाएंगे। तो न्यूट्रिशन बेसिकली है, जैसे जो भी आपने खाना लिया उससे आपको एनर्जी मिली, वही एनर्जी अपन यूज कर रहे हैं डे टू डे एक्टिविटीज में। तो ये अपना हो गया। यहाँ पे देखो, दो टर्म अपने पास आ रही हैं, ऑटोट्रॉप एंड हिटरोट्रॉप। ये आपको पता होना चाहिए ब्रीफली। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप मीन्स न्यूट्रिशन, जो खुद का न्यूट्रिशन जो करते हैं, दैट आर ऑटोट्रॉप्स। और जो हिटरोट्रॉप्स हैं, हिटरो मीन्स अदर्स,
जो दूसरों पे डिपेंडेंट करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, वो अपने क्या हो जाएंगे, हीटरोट्रॉप्स। तो हीटरोट्रॉप में कंज्यूमर्स जो बेसिकली अपने हैं वो हो जाते हैं, ठीक है। तो जो प्लांट्स खाते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, जो अपन ने देखी थी। सतीश जस्ट अभी स्टार्ट हुई है, गुड इवनिंग वर्षा, अभी बस क्लास स्टार्ट ही हुई है, पहला ही पेज चल रहा है, डोंट वरी, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस, अब अपने को ये भी बताया, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब उससे बनाना। अभी ऑफलाइन है ना, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन हो चुकी है क्लास, आप इसको दोबारा से ऑन करके शुरू करो, एक सेकंड। तो अभी अपने पास अब आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब खाना बनाना। तो इसमें आपके वाटर, पानी, मिनरल्स जो सोयल में प्रेजेंट होते हैं, आपने देखा था कि नीचे से जैसे सोयल वगैरह है, तो सोयल से आपके अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स आते हैं, और जो अपनी एयर है वहां से कार्बोहाइड्रेट वगैरह, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह आएगी। ये एक सेल की सिंपल सी स्ट्रक्चर बता रखी है। सेल, सेल मेम्ब्रेन जो चारों तरफ इसके होते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस, ये जो अपने को ब्राउन ब्राउन सा दिख रहा है, ये इसका न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये जो मटेरियल प्रेजेंट है सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म। अब ये सारी की सारी सेल मिलके आपका क्या बनाते हैं, टिश्यू, ठीक है। तो ये अब हमारा यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं आपके स्टोमेटा, और इनके चारों तरफ होते हैं गार्ड सेल। यही जो पोर्स होते हैं, यहां से जैसे CO2 का एक्सचेंज होगा, CO2 बाहर से ली जाएगी, ऑक्सीजन छोड़ी जाएगी। तो ये आपका रहेगा स्टोमेटा, याद रखना है, स्टोमेटा आर पोर्स जो आपके फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं। ग्रीन पिगमेंट अपन ने कल देख लिया था, क्लोरोफिल देखा था, इसमें कौन सा आयन प्रेजेंट होता है वो आप कमेंट करिए, ये कल अपन ने चेक किया था, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस क्या हो गया, जब अपन क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारे मिलके आपका खाना बनाते हैं, तो बेसिकली इट इज व्हाट, अ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। आपका क्या हो रहा है कि सोलर एनर्जी जो है वो हमारी किसमें कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी, ठीक है। या फिर अपन इसको बोल सकते हैं कि स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड, और यही केमिकल एनर्जी, या जो केमिकल आप बोल सकते हो, फूड आप बोल सकते हो, ठीक है। तो उसमें से फिर जब अपन इसको खाते हैं, तो खाने के बाद Mg, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम राइट, सतीश, अनुराधा एंड सरिका, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो गया, तो अपना जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी आ रहा है वो कौन आ रहा है, सन, ठीक है। अब अपना ये एक सिंपल सा डायग्राम इन्होंने बता रखा है कि भाई लाइट एनर्जी आती है यहाँ से, फोटोसिंथेसिस ये लोग करते हैं, और इस तरीके से काम चलता है। देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे और ऑक्सीजन बनाएंगे, ठीक है। ये एक बेसिक रिएक्शन है, ये ध्यान रखनी है, क्या रिलीज हो रहा है अपना, ऑक्सीजन। अब ध्यान क्या रखना है, फोटोसिंथेसिस में तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, रेस्पिरेशन में देखो अभी, ठीक है। चलो वैसे मैंने पहले से ही मार्क कर लिया था इंपॉर्टेंट चीजें, तो थोड़ा सा ये काफी टाइम का PDF खुला हुआ है, इसलिए कई बार सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें अपना क्या है, रेस्पिरेशन जो अपना होता है, रेस्पिरेशन में उल्टा होता है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, रेस्पिरेशन में यही जो कार्बोहाइड्रेट है वो अपन खाते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये आपका बर्न होगा, और इससे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना। देन अपने को ये पता होना चाहिए, जैसे जो काई जिसको अपन बोलते हैं, एल्गी, सिंपल टर्म्स में कि भाई जो स्लाइमी ग्रीन पैचेस जो आपके पानी के आसपास मिलते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, एल्गी। ये एक चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट आपके किस किस से बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CHO, CHON, तो CHON, ये अपने चार बोले जाते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स में क्या होता है, देखो सारा का सारा प्लांट ऐसे नहीं है कि वो सभी के सभी अपना खुद का खाना बनाते हैं, कुछ कुछ जो होते हैं वो हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कसकटा है, कसकटा एक अपनी क्या होती है, अमरबेल। अब इसमें ये जो हीटरोट्रॉपिक, हीटरो मतलब अदर्स, जो दूसरों पे डिपेंड करता है, तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अगर अपन देखेंगे, तो कसकटा है ये आपके न्यूट्रिशन और सपोर्ट के लिए, जैसे क्लाइम करती है, होस्ट पे चढ़ जाती है, ठीक है, तो उनके लिए ये डिपेंडेंट रहती है, और फूड के लिए भी।
है। और ऐसे ही फिर अपने जैसे इंसेक्टिवोरस, अब ये कसकटा एक पैरासाइट है, पैरासाइट मतलब जो दूसरे पे डिपेंड कर रहा है खाने के लिए। ऐसे ही इसमें आगे एग्जाम्पल जो आपने दिए हुए हैं, देखो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है, एनसीईआरटी में मैंने हमेशा बताया है जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो बोल्ड वाली चीजें, ठीक है। तो इंसेक्टिवोरस नाम से ही क्या पता चल रहा है, इंसेक्ट वोरस इंसेक्ट्स को खाते हैं बेसिकली। क्या होता है, ये अपन ने एनवायरमेंट में भी किया था, तो वो ऐसे पिक्चर प्लांट जैसे हो गए, उसमें इंसेक्ट आ जाता है, गिर जाता है, और उसकी मोस्टली ये नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन की जो कमी होती है वो पूरी होती है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की, इंसेक्ट्स को खा के, ठीक है, पिचर प्लांट। यस शशि राइट। अब अपने पास आते हैं सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रो मतलब होता है डेड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वहां से जो न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। अब अपने अलग अलग फूड चेन जो होती है, एक फूड चेन आपकी जो होती है डेट्राइटस फूड चेन अपन ने पढ़ी थी, ठीक है, डेट्राइटस, डेट्राइटस जो फूड चेन है वो किससे शुरू होती है, डेड ऑर्गेनिज्म से। वही जो डेड ऑर्गेनिजम्स आपके हैं वो क्या करते हैं, वहां से आपका खाना जो ऑर्गेनिजम्स हैं न्यूट्रिशंस हैं वहां से आएगा बनेगा, और वो डेट्राइटस फूड चेन अपनी होती है, ठीक है। तो अब ऐसे ही यहाँ पे अपने पास जैसे एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल इसका क्या है, फंगस, ठीक है। तो अभी जैसे कोरोना में भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि फंगस ऑर्गेनिज्म जो भी है अपने, ठीक है, फंगस का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो डेड है, ठीक है। अर्थवर्म वाली, यस, अर्थवर्म वाली डेट्राइटस, वहां से आपके अर्थवर्म से वो निकलते हैं, फिर वो डिपेंड करके दूसरे प्लांट्स वहां से न्यूट्रिशन लेंगे, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो इस ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो इस न्यूट्रिशन को करते हैं वो हो जाते हैं सेप्रोट्रॉप्स, सिंपल, ठीक है। तो ये सारे के सारे ध्यान रखने हैं, ऑटोट्रॉप, हेटरोट्रॉप, सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे एक हेडिंग है कि हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सोयल। तो वही सेम चीज, जैसे ही डेड होगा कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो डेड हुआ, डेड होने के बाद वो डिके हो जाएगा, डिके होके आपका सोयल में मिल जाएगा। हेलो निभा, कोई नहीं, वेर आर वी, क्लास 7th, यस क्लास 7th चैप्टर 1, चैप्टर 1 अपना लगभग कंप्लीट होने वाला है, चैप्टर 1 देख रहे हैं, ठीक है, चैप्टर 1 में पेज नंबर 7 पे आ जाओ। अब देखो सम कुछ ऑर्गेनिजम्स, जैसे अपन ने बहुत सारे ये देखे थे, एमेंसलिज्म, कॉमेंसलिज्म, पैरासाइटस, ठीक है, ये सारे के सारे अपन ने क्या देखे थे कि भाई ये अलग अलग तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे अपने पास एक चीज क्या आ रही है, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या है बेसिकली, हाँ, दो लोग आपस में आराम से आके रहते हैं। तो एक ने, जैसे ये अपन ने कोरल रीफ्स भी देखे थे, ठीक है, एनवायरमेंट में अपन ने चैप्टर जो किया था कोरल रीफ्स अपन ने देखे थे। तो ऐसे ही जैसे फंगस जो है वो रूट्स पे रहती है, और रूट से आपका क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह डिराइव करती है, वाटर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ऐसे ही अपनी लाइकेंस होती हैं, लाइकेन हमेशा याद रखना, ये सवाल डायरेक्टली पूछा जा सकता है। जैसे एचसीएस में पूछा गया था कि भाई राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो अपने यहाँ पे लाइकेन भी पूछा जा सकता है। लाइकेन में दो चीजें होती हैं, एल्गी एंड फंगस, फंगस जो न्यूट्रिशन लेती है, एल्गी जो न्यूट्रिशन बनाती है, तो ये दोनों सिम्बायसिस में रहते हैं। ये फंगस जो है शेल्टर, वाटर, मिनरल्स वगैरह प्रोवाइड कराएगी, जो एल्गी है वो फूड वगैरह प्रोवाइड, ठीक है। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है। अब इसमें जैसे ये राइजोबियम तो पूछा ही गया था, तो राइजोबियम भी ध्यान रखना है, ये क्या करता है बेसिकली, कन्वर्ट करता है आपकी जो एटमोस्फेरिक जो हमारी नाइट्रोजन होती है उसको कन्वर्ट करता है, और ये यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसको अपन अपन ने और भी तरीके देखे थे, जैसे मैन मेड, ठीक है, तो हम अपने अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स भी यूज करते हैं, ठीक है, तो एनपीके फर्टिलाइजर्स भी अपन यूज करते हैं। तो ये जो बेसिकली पाए जाते हैं राइजोबियम, ये पाए जाते हैं लेग्यूम, जो अपने दाल होती है ना, ग्राम, पीस, मूंग, बीन, इनकी जो रूट्स होती हैं वहां पे ये लोग मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, तो इससे क्या होता है कि जो नेक्स्ट जो क्रॉप होती है उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन की वो कंपेटिवली कम हो जाती है, तो ये उसको हेल्प भी करते हैं, ठीक है। यस लाइकेंस आर सेंसिटिव टू SO2, यस शशि राइट। तो ये है, ठीक है, कीवर्ड्स, और ये समरी, देखो समरी हमेशा ध्यान रखनी है, समरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर चैप्टर की समरी तो जरूर जरूर। तो चैप्टर 1 अपना कंप्लीट हो गया है, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर 2 पे। तो अभी अपन ने देखा था कि प्लांट्स जो हैं उनका न्यूट्रिशन, अब अपन देखते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, चैप्टर नंबर 2। एनिमल्स में कुछ नहीं होता, सेम चीज वैसे ही, देखो कोई भी चीज है तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है आपका नो, अरे यार अभी ये गड़बड़ हो जाएगी,
अगर ये बंद हो गया, रिकवर नहीं हुआ तो दिक्कत। ओके चलो, होपफुली रिकवर हो गया डॉक्यूमेंट ये। चलो ठीक है, मार्क दिख रहा है। ये सारा गड़बड़ हो जाता, सारे के सारे चैप्टर एक साथ खोल के मैंने डाले हुए थे। अगर ये गड़बड़ हो जाती फिर दिक्कत होती, चैप्टर आराम से कंप्लीट नहीं हो पाता। चलो ठीक है, अभी देखो ये भी चल गया, सॉफ्टवेयर वाली भी दिक्कत थोड़ी सी दूर हो गई। ठीक है, तो एनिमल्स में अपन देखते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट उनकी है, मोड ऑफ इनटेक, आप कुछ खाओगे। ठीक है, जैसे अपन अपना ही एग्जाम्पल लेते हैं, हमने फूड खाया, ठीक है, इंजेस्ट किया, इंजेस्ट करने के बाद वो ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स फूड जो आपका है वो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, लिपिड हो, प्रोटीन हो, ये छोटे छोटे में कन्वर्ट होगा, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, ये अंदर जाके फिर एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद ये ब्लड में आपका मिल जाता है, ब्लड में ये न्यूट्रिएंट्स का काम करेगा। अब यही न्यूट्रिएंट हमें क्या देते हैं, एनर्जी। तो ये एक सिंपल प्रोसेस रहता है। और जो अनडाइजेस्टेड अपना फूड रहता है, अनडाइजेस्टेड फूड आपका क्या रहेगा, वो सारा का सारा एक्सक्रीशन की फॉर्म में चला जाएगा, चाहे हम यूरिन की फॉर्म में बोल रहे हैं या फिर फीसिस की फॉर्म में बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना एक प्रोसेस चलेगा। तो ये जैसे ही आपने खाना खाया तो फर्स्ट स्टेप, कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस है उसको सिंपलर सब्सटेंस में ये तोड़ा जाता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, डाइजेशन। ठीक है, सिंपल टर्म्स डाइजेशन। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, देखो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरीके से फूड लिया जाता है, यहाँ पे अपने उतने कुछ काम का नहीं है। जैसे स्टार फिश है, तो स्टार फिश में इन्होंने बताया कि शेल्स जो कैल्शियम कार्बोनेट की शेल्स वगैरह होती हैं, ये डायरेक्टली ओपन होता है, स्टमक जो है वो बाहर जाता है, खाना जो है खा के फिर दोबारा से स्टमक इसका अंदर आ जाता है। इसका काफी लोगों ने स्टारफिश का वीडियो वगैरह भी देखा होगा, काफी कॉमन रहता है। ठीक है, अब अपने जो अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं, देखो बकल कैविटी, अब अपन इस डायग्राम में देखते हैं, तो ये अपना यहाँ से शुरू होता है, जो बेसिकली अपना सबसे पहले फूड जाता है माउथ में, तो वो अपनी होती है बकल कैविटी, सलाइवरी ग्लैंड, जहां से अपने सलाइवा आता है, फिर नीचे अपन आता है ईसोफेगस। ये सारे के सारे कॉमन चीजें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ईसोफेगस में इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जो खाना होता है, जैसे यहाँ पे जो मसल्स होती हैं, ठीक है, वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो ये जो खाना होता है ये ऐसे जाता है। यहाँ पे क्या है कि ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता। अगर किसी आदमी को उल्टा भी लटा दोगे, ठीक है, मान लो उसके टांग ऊपर की तरफ बांध रखी है, ठीक है, ऐसे लेटा हो, उल्टा लटका रखा है, ठीक है, अब इसका ईसोफेगस तो ऐसे है, अब ये जैसे ही खाना खाएगा वो ऐसे जाएगा, तो पेरिस्टेल्सिस होता है, पेरिस्टेल्सिस मतलब मूवमेंट। ठीक है, पेरिस्टेल्सिस, ये जो इसकी मूवमेंट होती है एसोफेगस की, इनको अपन बोलते हैं पेरिस्टेल्सिस। तो ये जो मूवमेंट आपकी है, तो ये एंटी ग्रेविटी भी रहती है, मतलब मान लो कोई उल्टा लेट के भी खाना खाएगा तो भी वो स्टमक में पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है कि स्टमक में नहीं पहुंचेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो स्टमक, फिर स्टमक के बाद देखो ये यहाँ पे पेनक्रियाज आपको दिख रहा है, ये वाला जो है ये है पेनक्रियाज, ये इसके इधर बगल में ये जो ऐसे चल रहा है यू शेप, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अलग अलग हिस्से आते हैं आपके। ठीक है, तो जेजुनम, इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये 20-25 मीटर की तो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन ही होती है। फिर ये यहाँ से कुछ जो हिस्सा बच जाता है वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करने के लिए, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, और फिर यहाँ से आपका आउट। ठीक है, ये अपने हो गया, ये बेसिक अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम के जो जो ऑर्गन्स है वो अपन ने देख लिए हैं। ठीक है, और यही जो डाइजेस्टिव अपना ट्रैक है और सारे के सारे जो ग्लैंड्स हैं, इन सबको मिलके अपन क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम एक क्या होता है, सिस्टम जिसमें अलग अलग पार्ट्स होंगे, सारे के सारे पार्ट्स मिलके अपना सिस्टम बनाते हैं, वही सारे के सारे आपका काम करते हैं। ठीक है, माउथ एंड बकल कैविटी, देखो डाइजेशन जो अपना है वो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से ही शुरू हो जाता है, आपका माउथ से ही शुरू हो जाता है। अब आपको ये भी पता है, देखो बचपन में सबके मिल्क जैसे दूध के दांत बोलते हैं अपन, ठीक है, फिर बाद में परमानेंट टीथ आते हैं, 6 से लेके 8 साल तक अपने दूध के दांत रहते हैं, वो टूट जाते हैं, टूटने के बाद फिर परमानेंट टीथ आते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये जो प्रोसेस होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, इंजेशन। ठीक है, इंजेशन मतलब इनटेक जो आपने किया है वो अपना हो जाता है इंजेशन। फिर जैसे टूथ डिके के बारे में इसमें थोड़ा सा बताया हुआ है कि भाई अगर आप मतलब जैसे जो बैक्टीरिया होते हैं जो माउथ में प्रेजेंट होते हैं, मतलब नॉर्मली ये हार्मफुल नहीं होते, बट अगर आप खाना छोड़ देते हो, अच्छे से आपने कुल्ला नहीं किया, ठीक है, तो ये जो है इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे फूड मटेरियल आपका रह जाएगा, फूड मटेरियल का ब्रेक डाउन करेगा,
फूड मटेरियल का ब्रेक डाउन करके एसिड बनाता है, एसिडिक। एसिडिक जो नेचर है वो अपना जो टूथ के बाहर जो एनामल वगैरह होता है इसको डीके करेगा। तो यहाँ से आपका टूथ डीके शुरू होता है। तो जो हमारे टूथ पेस्ट होते हैं उसमें क्या होता है, बेसिक कंटेंट होता है, ठीक है, बेस होता है, बाइकार्बोनेट वगैरह, वही इसको बताते हैं। और दिन में लगभग अगर 2 बार सोने से पहले एक बार कर लो तो वो अपना क्या रहेगा, ठीक है, तो ये जरूरी रहता है। अब जैसे देखो, वाओ वाओ याद रखना, WAO। तो ये जो हिस्सा है ना, जैसे ये अलग अलग टेस्ट के लिए है, W, ये A, ये O, S ऐड कर दो सबके आगे, तो SW स्वीट। हमारी जीभ का जो आगे का हिस्सा होता है ये होता है स्वीट के लिए, SA सॉल्ट, ये वाला जो हिस्सा होता है ये सॉल्ट के लिए, SO ये होता है सोर, सोर मतलब खट्टा, तो पीछे वाला जो हिस्सा है वो खट्टा होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पेपिलाज होते हैं, पेपिला बोलते हैं, जो जीप पे अपने को दिखते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं और टेस्ट बढ़ा देते हैं। कोरोना में कई लोगों का टेस्ट चला गया था, मेरा भी अभी धीरे धीरे आ रहा है, बहुत अजीब सा ही हो जाता है, समझ ही नहीं आता क्या खा रहे हो क्या नहीं, ना। यस, टेस्ट बर्ड्स। तो अब अपना ये हो गया, फूड इज पुश्ड डाउन, ये मैंने बता ही दिया था, पेरिस्टाइलिस, वहां से आपका कहाँ आएगा फूड, स्टमक में। स्टमक जो अपना होता है जे शेप्ड फ्लैट होता है, और ये बाद में इसको क्या बोलते हैं, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जैसे ये है, ये स्टमक आपको दिख रहा है, ये वाइडेस्ट पार्ट होता है, बाकी थोड़े से कम छोटे होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन और अपन ने देखे थे ये कम होता है, ठीक है। और जो हमारी इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, वहां से अपना क्या सीक्रेट होता है, म्यूकस और HCl। HCl ध्यान रखना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यही जो एसिड होता है, ठीक है, ये ब्रेक डाउन करता है फूड को भी, प्रोटीन्स फैट को, स्पेशली इमल्सिफिकेशन वगैरह यहाँ पे होता है, और वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। यहां से एक ब्रेकडाउन अपना शुरू हो जाता है। अगर डाइजेशन की बात करेंगे तो बक्कल कैविटी से ही इनिशियल जो है डाइजेशन आपका शुरू हो जाता है, मेनली हमारा स्टमक में शुरू, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देखो हाईली कॉइल्ड, 7.5 मीटर, सॉरी 7.5 मीटर ये है। यहाँ पे बाइल, देखो जो लीवर जो होता है आपका, ठीक है, लीवर, लीवर के नीचे होता है गॉल ब्लैडर, तो यहाँ से आपका बाइल निकलता है। बाइल आपका आके जो फैट है, फैट के डाइजेशन में बाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, फैट को ब्रेक डाउन करके छोटे 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 इनमें, तो ये आपका रहता है, ठीक है। तो बाइल जिसमें अच्छे से नहीं बनता उसमें फैट एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, और फिर उनको मतलब दिक्कत रहती है, ठीक है, डायरिया वगैरह भी हो जाता है, अच्छे से फूड एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ऐसे ही पेनक्रियाटिक जो जूस होता है, तो पेनक्रियाटिक जूस में भी अपने एंजाइम्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जैसे इसमें ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इस टाइप के अलग अलग एंजाइम्स होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स को सिंपल फॉर्म्स में, ठीक है। ये हो गया। फिर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये अपन ने देख ही लिया था कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली अपना एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं अपन विलाई। विलाई क्या होते हैं, जैसे मान लेते हैं ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। विकास, गुड इवनिंग। फिर से जैसे ये, अगर मैं सवाल पूछू कॉमन सेंस का एक सवाल, कि भाई ये फिंगर लाइन जो प्रोजेक्शन हुए तो इन प्रोजेक्शंस का फायदा क्या है, फायदा नुकसान क्या रहेगा, ठीक है, वो आप बताओ, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो विलाई जो है ये आपको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड में जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू ब्लड वेसल टू द डिफरेंट ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन में आपका फूड मटेरियल पहुंच गया, वहां से क्या पहुंचा, कार्बोहाइड्रेट पहुंचा, उसको ऑक्सीजन के साथ मिला के अपन क्या करेंगे, CO2 आपका बनेगा, ठीक है, और अपने को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। यस, वेरी गुड अंकित, विकास, निवा, सरफेस एरिया आपका इंक्रीज हो जाएगा, और एब्जॉर्प्शन, लॉन्ग टाइम टू द डाइजेशन भी बोल सकते हैं, और एब्जॉर्प्शन भी अपना ज्यादा अच्छे से होगा, ठीक है। ये अपना हो गया है। ओके, देन अपना इसमें फिर देखो, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन लगभग 1.5 मीटर की होती है, 7.5 मीटर याद रखना स्मॉल इंटेस्टाइन का, और 1.5 मीटर याद रखना है लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। तो यहां से फिर अपना, हाँ देखो, ये एक टर्म रहेगी एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन क्या होता है, जो अपन यूज करते हैं इस फूड को, जैसे आपने एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्प्शन के बाद ये जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल अपना यूज हुआ है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन, ठीक है। गुड इवनिंग अजीत, कोई नहीं, ठीक है, ये हो गया लार्ज।
फिर बाद में जो भी फूड आपका बच जाता है फिकल मैटर एनस के थ्रू आपका आउटसाइड, ये अपन क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, इजेशन। ठीक है, इजेशन मतलब गोइंग आउट। अब अपन अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल क्या होते हैं, ग्रास ईटिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये खा तो लेते हैं इसको, क्विकली स्वेलो तो कर लेते हैं, बट ये स्टोर हो जाता है रूमेन। एक स्ट्रक्चर सी होती है रूमेन जिसको बोलते हैं अपन, उसमें क्या होता है कि ये आपकी ग्रास जो है ये स्टोर हो जाती है, फिर ये दोबारा से आपकी, जैसे इसको बोला जाता है जुगाली जो करते हैं ना एनिमल्स, जुगाली, दोबारा से खाना बाहर की तरफ लाया जाता है और ये चलता है। ठीक है, अगर ढंग से अपना डाइजेशन नहीं हो पाता तो अपन क्या करेंगे, तो उससे क्या हो जाता है फिर डायरिया। अब डायरिया में इंटरेस्टिंग क्या है कि जैसे मान लो पास्ट में अर्लियर क्या होता था, डायरिया के लिए आपके पास कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता था, पानी वानी आप नहीं, मतलब उसको रिप्लेनिश करने के लिए इन स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। आज के टाइम पे तो क्या होता है ओआरएस अपन ने बनाया हुआ है, ओआरएस से भी फास्ट अपन आईवी कैनुला, ठीक है, आईवी कैनुला अपन लगाते हैं। आईवी कैनुला से क्या होता है कि तुरंत आपका पानी रिप्लेनिश हो जाता है, नहीं तो आदमी क्या होता है कि डिहाइड्रेशन से ही मर जाता था। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट जैसे बुद्धा जो थे, ठीक है, बुद्धा जी की जो डेथ हुई थी वो कैसे हुई थी, डायरिया से ही हुई थी। ठीक है, अकबर की डेथ भी डायरिया से ही हुई थी, तो पहले इसका कोई इलाज नहीं होता था तो डायरिया से भी लोग मर जाते। ठीक है, मंकी पाउच, ठीक है, ओके विकास। अब यहाँ पे क्या है कि पार्शली डाइजेस्टेड जो अपना फूड रहता है इसको अपन क्या बोलते हैं, कड़। ये टर्म हल्के से ध्यान रख लेना, वैसे नहीं पूछी जाने वाली बट फिर भी। तो ये रूमेन अपन ने देखा था, रुमिनेशन ये जो प्रोसेस है, रुमिनेंट्स ये जो एनिमल्स हैं इनको अपन रुमिनेंट्स बोलते हैं, और ये जो ग्रास होती है, ग्रास रिच होती है सेलुलोज में। देखो पहले जब जैसे अपने पास अपेंडिक्स होती है, अपेंडिक्स में क्या होता था, सेलुलोज, सेलुलेज, सेलुलोज को ब्रेक करने के लिए सेलुलेज एक एंजाइम होता था, वो अपनी अपेंडिक्स में मिलता था। ठीक है, अभी क्या हो गई है, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया है, अभी इसमें उतना सब कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब ये अपना रहेगा, ये ध्यान रखना है। और बट एनिमल्स में तो मिलता ही है क्योंकि वो लोग यही खाते हैं। ठीक है, अब जैसे अमीबा का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, अमीबा में सूडोपोडिया होते हैं ये जो निकल जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये है फूड पार्टिकल्स इंजेक्शन किया, सूडोपोडियम जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो ये सूडोपोडिया, सूडोपोडियम, पोडियम मतलब ऐसे ही स्ट्रक्चर। अब जैसे ये वाला डायग्राम अगर देखोगे तो यहाँ पे ये रूमेन है। ठीक है, रूमेन के बाद इसका मेन स्टमक आता है जिसमें डाइजेशन, रूमेन से दोबारा ये ले लेगा और खाएगा। ऐसे ही अमीबा, सेम प्रोसेस हर चीज में, हर ऑर्गेनिज्म में, हर एनिमल में प्रोसेस वही चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सूडोपोडिया है ये फूड वैक्यूल आपका होता है, फूड वैक्यूल में फूड ट्रैप हो जाता है, उसमें एंजाइम्स वगैरह यहाँ पे आके डाले जाते हैं, और फिर अपना क्या होगा, ये इसको अपन डाइजेस्ट कर देंगे और फिर जो डाइजेस्टिव जूस वगैरह सीक्रेट होगा वैक्यूल में। ठीक है, और जो बाकी अनडाइजेस्टेड बच जाता है उसको ये फिर बाहर निकाल। ठीक है, सो द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज सेम इन ईच एंड एवरीवन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चैप्टर नंबर टू अपना हो गया है। चैप्टर नंबर थ्री देखो, कल जो अपन ने चैप्टर करा था फाइबर टू फैब्रिक, अगेन वही ये चैप्टर है, इसमें अपने काम की चीज कुछ है नहीं, तो इसको फास्टली अपन देखेंगे। ठीक है, वूड, सॉरी, वूल जो है वो आपका फ्लीस, हेयर्स, जैसे शीप या फिर याक अपने होते हैं। ठीक है, तो गोट से भी निकाला जाता है। ठीक है, जैसे ये शेप है इसके चारों तरफ है, तो उसके जो हेयर्स हैं उनको निकाल के अपन क्या बनाते हैं, वुल। ठीक है, ऊन बनाते हैं, सिल्क बनाते हैं, सिल्क, सेरिकल्चर अपन ने टर्म पढ़ी थी। ठीक है, सेरिकल्चर ये यहाँ पे भी आएगी, जो जो एग्जाम की इंपॉर्टेंट चीज है वही देखेंगे बस, बाकी नहीं देखेंगे। ठीक है, बहुत सारी ब्रीड्स होती है शीप की, गोट की, याक की। ठीक है, ये आपका क्या करती हैं, ये हमारा वूल वगैरह प्रोवाइड कराती हैं। तो याक वूल कॉमन होता है आपका तिब्बत लद्दाख में। ठीक है, मोहिर, अंगूरा गोट्स, ये अंगूरा गोट ध्यान रख लेना, अंगूरा गोट्स जो आपकी होती हैं ये भी अपने लद्दाख और जे एंड के वाले रीजन में मिलती हैं, ये इम्पोर्ट। ठीक है, ये अपना हो गया, ओके, एक सेकंड, तो ये हो गया अंगूरा गोट्स वगैरह ध्यान रखना है हल्का सा। फिर बाद में देखो इन्होंने बहुत सारे ये प्रोसेसेस बता रखे हैं, कैमल से भी मिलता है, याक से मिलता है, ठीक है, लामा, लामा से मिलता है, अल्पाका इससे भी मिलता है। ठीक है, और फाइबर से वूल कैसे बनाते हैं, अलग अलग, जैसे पहले रियरिंग एंड द ब्रीडिंग, शीप जो है आप उसको रियर करोगे, ब्रीड करोगे, उससे फिर आप निकाल लोगे, हेयर्स वगैरह निकाल लोगे,
फाइबर इनटू वूल, फिर ये प्रोसेस चलेगा, कोई नहीं, ये अपने काम का नहीं है भाई, ठीक है। फिर टैंक्स वगैरह हैं, उसमें वॉश करी जाती है, जिसको स्कोरिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर शॉर्टिंग बोलते हैं, जैसे हेयर स्किन ये फैक्ट्री में भेजी जाएगी अलग अलग, जैसे टेक्सचर के हिसाब से, फाइन टेक्सचर, हार्ड टेक्सचर, ये सब के सब अपने जो होते हैं। अंगूरा गोट वाला क्वेश्चन HSSC में आया था, हाँ बिल्कुल आया होगा, इम्पोर्टेंट है अंगूरा गोट, ध्यान रखना है। सॉर्टिंग, देखो अब सॉर्टिंग क्या है, ये अलग अलग अपन ने इसको सॉर्ट किया, ठीक है। तो इसमें एक शॉर्टर्स डिजीज आती है, एंथ्रेक्स आपने सुना होगा, ये वैसे आगे आएगा, एंथ्रेक्स जो है अपना, ठीक है, इसको शॉर्टर्स डिजीज बोलते हैं, क्योंकि इनमें ज्यादातर ये देखी जाती है, ये जो शॉर्टिंग वाला जो काम करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रोसेस बता रखे हैं अपने काम के, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आगे शॉर्टर्स जो जॉब करते हैं उनको रिस्क रहता है बैक्टीरिया एंथ्रेक्स का। एंथ्रेक्स भी आपका बायो टेररिज्म, ठीक है, बायो टेररिज्म में नाम आया था एंथ्रेक्स का। अभी कोरोना को भी अपन थोड़ा सा बायो टेररिज्म के हिसाब से ही जानते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, एंथ्रेक्स भी एक लंग्स की ही डिजीज होती थी, ठीक है। शॉर्टर डिजीज के नाम से भी आ सकता है एंथ्रेक्स, फैटल ब्लड डिजीज, और ये लंग्स में भी जाती थी आपकी, इनको इफेक्ट करती है, ठीक है। अब ये यहाँ पे लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, सिल्क है, सिल्क से अलग अलग जैसे एग्स होते हैं, फिर ये कैटरपिलर, सिल्क वॉर्म, प्यूपा, एग लार्वा, प्यूपा अडल्ट, ठीक है। एग होता है, एग से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, प्यूपा से अडल्ट बनता है। हाँ लेटर में डार के जो पाउडर वाला है वही सेम, वो एंथ्रेक्स का ही था, बिल्कुल सही विकास। तो इसमें अब जैसे ये जो इनकी मूवमेंट होती है, जैसे ये सब अपना काम करनी है कि यहाँ से जैसे मूवमेंट हो रही होती है तभी ये फाइबर्स वगैरह सिक्रेट करते हैं, ठीक है। और जो सिल्क है, सिल्क को अपन सिल्क फाइबर्स वगैरह जो बनाते हैं, सिल्क वॉर्म्स वगैरह, इनकी जो रियरिंग अपन करते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, सेरी कल्चर, ये ध्यान रखना है। एक स्टोरी भी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन होता है इसके अंदर, ये एयर के एक्सपोजर्स में आके हार्ड हो जाता है, सिल्क फाइबर बन जाता है, इसकी जो कवरिंग होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोकून, ठीक है। ये अलग अलग बता रखा है, जैसे मलबरी ट्री है, मलबरी ट्री पे ये अपने यहाँ पे जैसे लीव्स हैं, लीव्स पे अपन इनको रियर कर सकते हैं। ये एक छोटी सी स्टोरी बता रखी है, एक एम्प्रेस थी सी लुंग ची, ठीक है। तो वहां पे वो चाय पी रही थी, चाय में ये आपका सिल्कवॉर्म गिर गया और उससे फाइबर्स बाहर निकलने लग गए, तो इसको बहुत सारे छोटे छोटे रेशे से दिखाई दिए। वहां से फर्स्ट टाइम डेलिकेट थ्रेड्स ये मिले, तो ये इंटरेस्टिंग, जैसे इसको अपन बोलते हैं सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी, ठीक है। सडन जो डिस्कवरी होती है इसको आप बोलोगे सेरेंडिपिटी, ठीक है। तो बहुत सारी डिस्कवरी सडन होती है। तो ये हो गया अपना, ये आप समरी वगैरह थोड़ा सा देख लेना इसकी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ रहा है हीट। देखो बेसिकली, ओके सशी, वेरी गुड। यूट्यूब आजकल सारी नॉलेज यूट्यूब से ही मिलती है अपने को, कोई नहीं। हीट, देखो हीट अपना क्या है, कोई नहीं अमित, क्या किया जा सकता है, ठीक है। देखो हीट बेसिकली, हीट जैसी क्या चीज होती है, देखो टेम्परेचर होता है बेसिकली, ठीक है। अलग अलग टेम्परेचर, जरूरी नहीं है कि ये रिलेटिव है, ठीक है। मान लो कोई 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, एक 200 पे है, एक 1000 पे है, ठीक है। 1000 देखने में ज्यादा लग रहा है, बट 2000 के कंपेरेटिवली 1000 क्या रहेगा, कोल्ड, ठीक है। अगर मान लो मैंने 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी में हाथ डाल रखा है, फिर वही हाथ मैं दोबारा से लेके जाऊं 1000 डिग्री सेंटीग्रेड में, अगर मैं डालू तो मेरे को ये 1000 डिग्री जो है वो कोल्ड लगेगा, ना कि हीट, ठीक है। तो ये आपका ध्यान रखना है अपने को। तो हीट वाला जो चैप्टर है, अब जैसे इसने एग्जांपल दिया है कि अपन वुलन आप क्लोथ्स वगैरह अपन जैसे विंटर में देखते हैं, ठीक है, हॉट एंड कोल्ड ये कुछ नहीं है, बस बेसिकली सारा का सारा अपना रिलेटिव वाला फंडा है। कि मान लो देखो यहाँ पे जैसे एक कोल्ड वाले में डाल रखा है, एक हॉट वाले में डाल रखा है, ये एक इस पानी में डालोगे तो अलग अलग हाथ को अलग अलग लगेगा, ठीक है, टेम्परेचर के हिसाब से। मान लेते हैं कि ये यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये यहाँ पे 50 डिग्री है, तो ये वाला जो हाथ है इसको ये यहाँ पे ठंडा लगेगा, और जो 0 वाला इसमें लेके जाएंगे 50 में, तो ये 50 वाला इसको गर्म लगेगा, ठीक है। तो यही है बेसिकली हीट, और इसी को अपन जो रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ द टेम्परेचर है, ठीक है।
हॉटनेस अपन टेम्परेचर से, इसमें अलग अलग अपने स्केल्स होते हैं, फारेनहाइट स्केल होता है, सेल्सियस स्केल होता है, ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर जो अपन ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर रिसेंटली सब लोगों ने यूज किया भी होगा, ठीक है, आजकल डिजिटल थर्मामीटर आने लगे हैं जो डायरेक्टली आपको बता देता है, और इसमें इतना कोई काम का आगे है नहीं, क्लिनिकल थर्मामीटर या फिर ये लैब थर्मामीटर, ठीक है, इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर और ज्यादा होता है, ज्यादातर अपन माप सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने मार्क कर रखा है ऑलरेडी। देखो ट्रांसफर ऑफ द हीट, ठीक है, ट्रांसफर क्या होगा, अब हमेशा ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट अपना स्टेप है कि हमेशा हाई टेम्परेचर से जो आपकी हीट है वो लो टेम्परेचर की तरफ जाएगी, यही अपना ट्रांसफर ऑफ द हीट रहता है, ठीक है, तो ये अपना चलेगा, जैसे फ्राइंग पैन है, ठीक है, वहां से नीचे से वो हीट लेता है और वही फिर ट्रांसफर कर देता है जो भी उसमें मटेरियल हम डालेंगे, मान लो ऑमलेट बना रहे हैं तो ऑमलेट को हीट ट्रांसफर कर, ठीक है, ऐसे अपने अलग अलग तरीके से ट्रांसफर ऑफ हीट होती है। जैसे ये यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि भाई मेटल स्ट्रिप है, ये यहाँ पे गर्म कर रहे हैं तो धीरे धीरे हीट इधर की तरफ जाएगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा। ओके शशि, फेरी टेल्स, सबको फेरी टेल्स बड़ी पसंद आती है। देखो अब इसमें अपने अलग अलग प्रोसेसेस हैं, कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये तीनों पता होना चाहिए, कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। देखो कंडक्शन क्या है, बेसिकली कुछ नहीं है, सिंपल, जो गर्म आपका एंड है, ठीक है, वहां से कोल्डर एंड की तरफ जाता है, यहाँ पे क्या होगा कि जो गर्म है, मान लेते हैं ये इससे गर्म है, ये वाइब्रेट करेगा, ये वाइब्रेट कर करके कर करके कर करके हीट ट्रांसफर करके यहां तक पहुंचाएगा, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल नहीं हो रही है, वाइब्रेशन की वजह से जो आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है इसको अपन बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है, तो ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रोसेस है कंडक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने पास जैसे कंडक्टर्स, कंडक्टर के एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, जो इजिली अच्छे से ट्रांसफर करते हैं हीट को, और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर जो थोड़ा सा पुअर ट्रांसफर, पुअर कंडक्शन जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंसुलेटर, ठीक है। अब कन्वेक्शन अपन देखते हैं, तो जैसे मान लो पानी को आप गर्म कर रहे हो, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ हॉट वाटर राइजेस अप, तो ये इसमें ये देखो जैसे ये पानी है, पानी यहाँ से गर्म हो रहा है, गर्म होके पानी जो गर्म है वो तो हल्का हो जाएगा, हल्का होके वो ऊपर जाएगा, जो ठंडा वाला पानी है वो नीचे आएगा, ठीक है, तो जब भी जैसे रोड लगा रखी है, ठीक है, तो अपन बाल्टी में रोड लगाते हैं तो ऊपर वाला पानी पहले गर्म होता है, जनरली होता क्या है, वो पानी गर्म हुआ बट वो ऊपर आता रहता है, ठीक है, तो लाइट होने की वजह से ऊपर आएगा वो, ये अपना रहेगा, तो ये है प्रोसेस, तो आपका गर्म ठंडा ये मिक्स होता है, इसको अपन बोलते हैं कन्वेक्शन, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे एक्चुअल मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल, ठीक है, तो ये चलता रहेगा जब तक सारा का सारा पानी गर्म ना हो जाए या फिर सारा का सारा टेम्परेचर सेम ना हो जाए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कोस्टल एरिया में बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना एक्सप्लेन कर रखा है, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का, देखो ये डायग्राम से ही समझते हैं अपन, जैसे मान लेते हैं ये पानी है, स्पेसिफिक हीट ये मैंने करवाया था, ज्योग्राफी में भी किया होगा, ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट जो होती है वाटर की वो होती है ज्यादा, ठीक है, लैंड की होती कम, कम होने की वजह से क्या होता है कि जैसे मान लो डे टाइम है, तो कम होने की वजह से थोड़ी सी ही हीट देते ही इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा, एयर लाइट हो जाएगी, तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है, लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, यहाँ पे क्या है कि उतना जल्दी गर्म नहीं हो रहा है तो ये हाई प्रेशर है, तो जो आपकी जो मोमेंट ऑफ एयर है वो क्या होगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये अपना चलेगा, ठीक है। नाइट टाइम सेम उल्टा, अब जैसे ये कम है, जल्दी गर्म होगा तो जल्दी ठंडा भी होगा, तो नाइट टाइम में क्या होगा, लैंड ठंडी हो जाती है, ठीक है, बट ये गर्म रहेगा, गर्म रहेगा मतलब यहाँ पे क्या हो गया, लो प्रेशर, और ये क्या हो गया, हाई प्रेशर, फिर से ये मूव करेगी लैंड टू सी, तो अलग अलग डायरेक्शन में, देखो दिन के टाइम में यहां से ठंडी हवा इधर की तरफ आएगी और ये ठंडी हवा इधर से इधर, यस, हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, बिल्कुल सही, उसको अपन बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, ठीक है। फिर एक टर्म अपनी आ रही है रेडिएशन, रेडिएशन बेसिकली क्या होता है, जो सन है, सन से जो अपनी रेडिएशन आती हैं, जब आपको अपन बोले कि भाई मटेरियल क्या बोलते हैं, जैसे मतलब मीडियम, मीडियम रिक्वायर नहीं होता मोमेंट के लिए, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं,
मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, तो उसको अपन बोलते हैं बेसिकली रेडिएशन। ठीक है, बिना मीडियम के अगर कोई ट्रांसफर हो रहा है तो रेडिएशन। अब यहां पे जैसे बता रखा है डार्क सर्फेसिस जो होती हैं या लाइट सर्फेस, जैसे ब्लैक है तो डार्क सर्फेस है, ये ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा एमिट करेगा, जबकि जो लाइट वाला है वो कम करेगा, कम एमिट करेगा। ठीक है, कम एब्जॉर्ब कम। तो ऐसे जो गर्मी है, गर्मी में अपन क्या करते हैं, लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, और जो सर्दी है वहां पे डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, और वूल जो है वो आपका पुअर कंडक्टर होता है हीट का। क्यों? जैसे मान लो ऊन की वो पहन रखी है स्वेटर, तो ये स्वेटर, स्वेटर में ये अलग अलग वूल्स, और यहाँ पे इनके जो बीच में गैप होता है, ठीक है, ये गैप है एयर, एयर की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये एक एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, तो अगर मान लो आपको चॉइस दी गई एक मोटा ब्लैंकेट डालना है और दो पतले ब्लैंकेट डालना, तो यू आंसर इट कि भाई आप क्या चूज करना पसंद करोगे, एक बड़ा मोटा ब्लैंकेट ओढ़ना पसंद करोगे या फिर पतले दो ब्लैंकेट, विद रीजन आपको आंसर करना है इसका। ठीक है, आंसर करो। ठीक है, डबल, यस, डबल डबल तो सबने लिख दिया, उसका रीजन भी तो बताना था ना। दो बिकॉज एयर बिटवीन देम गिव्स मोर हीट, नहीं, एयर गिव्स मोर हीट नहीं आएगा। एयर जो है वो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर। ठीक है, तो बाहर से जो हीट है, ठीक है, बाहर से जो ठंड है अपनी, ठीक है, क्योंकि बाहर टेम्परेचर है कम, बाहर से जो ठंड है या फिर अपने यहां से जो हीट जाएगी, बॉडी हीट, उसको जाने नहीं देगा। ठीक है, तो वो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये अपन आंसर देंगे कि भाई वो जो है उसको इंसुलेटर की तरह काम करता है। एयर इन बिटवीन देम विल कैप्चर द हीट फ्रॉम द बॉडी, यस। ठीक है, विल नॉट अलाउ टू एस्केप, ये सबसे बेस्ट आंसर है अंकित ने जो बताया है। ठीक है, कि वो उसको जाने ही नहीं देगा, ये जो हम कह रहे हैं कि कैप्चर हो रही है सब, ये अब ये आपका मेंस आंसर राइटिंग के हिसाब से ध्यान रखना है, जो चॉइसेस ऑफ वर्ड रहती है ना वो यहाँ पे काम आएगी। ठीक है, अब है चैप्टर नंबर 5, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। अब आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है पीएच, पीएच अपनी 0 to 14 होती है, ये बताया हुआ है मैंने। 7 जो है वो होती है न्यूट्रल, जो आपकी रहती है वाटर की। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे देखो, अगर अपन 7 से आगे की तरफ जाएंगे तो ये होता है बेस। ठीक है, और अगर हम पीछे की तरफ जाते हैं तो एसिडिक, इस वाले में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वही हैं कि एसिड की जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं वो अपने को ध्यान रखनी है, और जैसे कि भाई कहाँ कहाँ कौन से में कौन सा एसिड पाया जाता है नेम वाइज, वो ध्यान रखना है। तो जैसे ये एग्जाम्पल दे रहा है लेमन, टैमरिंड, कॉमन सॉल्ट, शुगर, विनेगर, इनमें एसिड आपका मिलता है। ठीक है, जैसे कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, ठीक है, सोर, एसिड जो होता है वो सोर होता है। ठीक है, और जो अपना बेस होता है वो होता है बिटर, कड़वा। ठीक है, ये खट्टा, ये कड़वा, बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर। ठीक है, और इनके लिए अपन अलग अलग सब्सटेंसेस यूज करते हैं, इंडिकेटर्स यूज करते हैं। लिटमस वाला ध्यान रखना, लिटमस पेपर। ठीक है, इसकी ट्रिक होती है अनिल कपूर। अनिल क्या होता है, अमल नीले को लाल करता है, बस इतना ही ध्यान रखेंगे कि एसिड जो है एसिड ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है, और जो बेस है वो उल्टा करेगा। ठीक है, अब देखो ये वाली टेबल ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट टेबल है। जैसे विनेगर में मिलता है एसिटिक एसिड, आंट जो है काटती है आपको तो खुजली मच जाती है, तो वो होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे लेमन वगैरह हैं, ऑरेंजेस हैं, सिट्रिक एसिड। कर्ड है, कर्ड में अपना मिलता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, यही लैक्टिक एसिड आपका मसल्स में भी बनता है, एसिटिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड भी बनता है, जैसे मसल्स जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है एकदम से तो अपना बनता है। ठीक है, स्पाइनिक, इसमें आपका होता है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, आमला, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, टैमरिंड, ग्रेप्स, और इनमें टार्टरिक एसिड, टी फॉर टैमरिंड, टी फॉर टार्टरिक। ठीक है, कुछ बेस हैं जैसे लाइम वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विंडो क्लीनर जो अपन यूज करते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, शॉप जो है आपका उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की अपन टेबलेट्स भी लेते हैं, जैसे किसी को एसिडिक होता है, मतलब एसिड ज्यादा बनने लग जाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की टेबलेट्स भी दी जाती हैं,
और इसका लिक्विड सॉल्यूशन भी आता है, ठीक है। लिटमस वाला अपन ने देख लिया, ये एग्जाम में उतना नहीं पूछा जाता। मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर लिटमस है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, लाइकेंस, ठीक है। और ये अपन ने देख लिया, नीले को लाल करता है अम्ल। सॉल्यूशन डू नॉट चेंज कलर, वो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल, 7 वाले, ठीक है। और जो बेस है 7 से 14 के बीच में, वो आपके दूसरे, ठीक है। बाकी आगे कुछ नहीं है, अलग अलग एक्टिविटीज दे रखी है इस चैप्टर में, अपने काम का इतनी। हाँ, फिर अपने पास आती है एसिडिक रेन, ये अपने को पता ही है, जैसे SO2, NO2, N2O, ठीक है। ये सारे के सारे हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलके क्या बनाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, CO2 के साथ मिलके। तो ये सारे के सारे चीजें, CO2, SO2, NO2, ये क्या होती है अपनी एसिडिक रेन। जो पहले क्या होता है कि बहुत सारे ये मोलिक्यूल्स हैं आपके हवा में होते हैं, एयर और रेन, रेन से फिर ड्रॉपलेट्स नीचे आएंगी। ये क्या करते हैं, फर्स्ट जो रेन होती है वो एसिडिक रेन होती है, इसलिए पहली जो रेन होती है उसमें कहा जाता है कि जनरली वी शुड अवॉइड, ठीक है। जो बाहर नहाने के कई लोगों को चुल रहती है ना, वो आपको पहली रेन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, स्किन के भी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। और एसिड रेन तो देखो, अपने बिल्डिंग्स भी हैं, ठीक है, तो ट्रीज भी हैं, एग्रीकल्चर भी है, सबको नुकसान करती है, ठीक है। ये हो गया एसिडिक रेन। फिर जैसे यहाँ पे बता रखा है, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन एक प्रोसेस है, न्यूट्रल, जब एसिड प्लस बेस मिलते हैं तो आपका एक सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, एसिड प्लस बेस, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे HCl+NaOH, NaCl+ वाटर, ये अपना हो गया, ठीक है। प्लांट बाइट, ये अपन ने देखा था, इसमें क्या मिलता है, फॉर्मिक एसिड, तो यही होता है। और अगर मान लो किसी को कई बार क्या होता है, सीवियर रिएक्शंस हो जाती हैं, एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। तो सीवियर एलर्जिक जो रिएक्शंस रहती है ना, उनको अपने को क्या करना है, जैसे मान लो किसी को हो जाए, तो बेकिंग सोडा आप उस पर रब कर सकते हो, कैलामाइन सोल्यूशन आप रब कर सकते हैं जिसमें जिंक होता है, ठीक है। ऐसे ही जो हमारी एसिडिक जो सॉयल हो जाती है, उसमें भी अपन जिंक यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सॉयल के ट्रीटमेंट में, जैसे एसिडिक और बेसिक है। एसिडिक सॉयल हो जाएगी तो कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह, साल्ट, लाइम, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम क्या है, CaOH2, तो ये बेस बनाएगा, ठीक है। या फिर अगर बेसिक हो जाती तो ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि कार्बन है, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड H2CO3, तो वीक एसिडिक बना देते हैं, तो उसकी वजह से भी आपका क्या हो जाता है, सॉयल की ट्रीटमेंट में हेल्प, ठीक है। ये हो गया, बाकी आगे कीवर्ड्स। हाँ यस अजीत, ऐसे क्लॉक टाइप वाले, हाँ बिल्कुल भाई। अब देखो मेरे को क्या है कि मुझे ना ज्यादा ब्रांड्स नेम पता नहीं है, ठीक है। ब्रांड नेम जो अपने आते हैं ना, तो ये हम क्या है, जेनरिक लिखता था मैं पहले भी, जेनरिक ही लिखते थे, और ब्रांड नेम जनरली प्राइवेट प्रैक्टिस में लोग यूज करते हैं, तो मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस कभी करीब ही नहीं, देखा भी नहीं, तो ब्रांड नेम मेरे को पता नहीं होता। कि एसिक्लॉक ये भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट हाँ इस टाइप का ही कुछ होगा, मेरे को मैकेश, ठीक है। तो ये हो गया अपना चैप्टर नंबर 5। अब ये फिर से वही चैप्टर आ रहा है, एक फिजिकल एंड द केमिकल चेंज। देखो अपन ने क्या देखा था, अलग अलग टाइप की रिएक्शंस अपनी होती हैं, ठीक है, उनकी वजह से अलग अलग चीजों में जो चेंजेस होते हैं वो अपने क्या क्या कहलाएंगे, फिजिकल चेंज, ठीक है। जब सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे सॉलिड है, पानी है, H2O है, ठीक है, आइस था, ठीक है, आइस से लिक्विड बना, लिक्विड से आपका इवेपोरेशन हुआ, तो ये क्या हो जाएंगे, इवेपोरेशन। तो ये अपना क्या रहता है, ये होता है एक फिजिकल चेंज, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई, नहीं, यहाँ पे वाटर ही है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। जेनरिक, जेनरिक मीन्स यस, हमें इतने जो कहा सॉल्ट, ठीक है। अब जैसे मैं लिखूंगा पैरासिटामोल, ठीक है, ये सॉल्ट, जो उसके अंदर सॉल्ट मिलता है, ठीक है। जैसे आजकल अपन यूज कर रहे थे बहुत सारे ड्रग्स, जैसे आइवरमेक्टीन, ठीक है, ये चल रहा था, ठीक है, तो बहुत सारी ड्रग्स आती हैं, सेफेक्सिम, कुछ भी मान लो, तो जो ड्रग है, ड्रग का पर्टिकुलरली जो सॉल्ट है, सॉल्ट को जो अपन लिखते हैं, तो वो अपना बोला जाता है जेनेरिक, ठीक है। तो जैसे मेरे से मेंस में भी, सॉरी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए थे, जेनेरिक मेडिसिन वर्सेस जो ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक डिबेट चलती रहती है मेडिकल फील्ड में भी, और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी एक इश्यू बना ही रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है।
नॉर्मली अब जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि जेनरिक आपको ड्रग्स के नाम लिखने चाहिए डॉक्टर्स को, उससे क्या होता है कि कंफ्यूजन नहीं रहता कि भाई हम बोल सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डॉक्टर का खत्म हो जाता है, बट अगर आप ब्रांड नेम देखोगे तो डॉक्टर्स क्या हैं यार, उनको थोड़ा ज्यादा पता होता है कौन सी ब्रांड ज्यादा बेटर काम करेगी नहीं करेगी, बट एफिकेसी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जो हमारी जेनेरिक मेडिसिन जो है ना उनकी भी एफिशिएंसी एफिकेसी बायो अवेलेबिलिटी सेम होती है, ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, बट ब्रांडेड चीजें जो होती हैं अब जैसे नाइकी है एडिडास है, कुछ तो क्वालिटी का फर्क होता है, कुछ मार्केटिंग का फर्क होता है, उसकी वजह से वो बहुत महंगी हो जाती है। अब जैसे डोलो है, पैरासीटामोल का पत्ता भी 1100 रुपए का पत्ता भी आता है, 2000 रुपए का पत्ता भी आता है जिसमें 10 गोलियां हैं, ठीक है, और वही आपको 10 रुपए में भी मिल जाता है। तो जेनरिक का ये फायदा रहता है कि जेनरिक अपने जो सिविल हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उसमें जेनरिक मेडिसिन ही रिकमेंड करी जाए, ठीक है। ये हो गया, देखो अब यहाँ पे अपन देखते हैं जैसे प्रॉपर्टीज, जैसे शेप साइज कलर, ये क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर इनमें कोई भी चेंज होता है तो वो अपना क्या कहलाता है फिजिकल चेंज। और केमिकल कंपोजिशन, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन था एफ ई था, ठीक है, यहाँ पे एफ ई ऑक्सीजन के साथ मिलके या रस्ट बना के ये एफ ई ओ एच कुछ बन जाएगा या जो भी बनता है, ठीक है, क्या बनता है आयरन की रस्टिंग में वो बताओ, ठीक है, Fe2O3, तो ये आपके रस्टिंग से बन जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा केमिकल चेंज, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे मैग्नीशियम रिबन है उसको बर्न किया, ठीक है, तो वो अब यहाँ पे जैसे MgO+ वाटर के साथ MgOH2, ये केमिकल चेंज हो गया, ठीक है, ये अलग अलग एक्टिविटीज हैं। जैसे कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट में जैसे ही आयरन ये डाली यहाँ पे ब्लेड, ठीक है, तो ब्लेड डाली तो ये रिएक्ट कर जाता है कॉपर सल्फेट के साथ, आयरन सल्फेट बन जाता है, कॉपर अलग से चला जाता है, ठीक है, ये आयरन सल्फेट ग्रीनिश हो जाता है, यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो गए, ठीक है, यस आयरन ऑक्साइड, ठीक है शशि, ठीक है। अब ये जैसे बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, ये अपन अलग अलग चीजें बना सकते हैं, विनेगर, बेकिंग सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, बेसिकली क्या है चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस, जब आपका बनता है केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन और न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट, ये हो जाएंगे। जैसे मान लेते हैं अपन ने खाना खाया था तो डाइजेशन हुआ, ठीक है, राइपनिंग ऑफ द फ्रूट है, फर्मेंटेशन है, तो यहाँ पे भी अपन कर सकते हैं Fe2O3XH2O, यस वेरी गुड, ठीक है। अब नए नए जो प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे केमिकल चेंज में, जैसे उनमें क्या होगी उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट रहेंगी, ठीक है। अब जैसे हीट लाइट ये निकलती है, साउंड भी हो सकता है निकले, स्मेल कलर चेंज हो जाता है, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो अलग अलग चीजें उसमें रहेंगे, एनर्जी भी निकलती है। रस्टिंग हो गया, देखो रस्टिंग में क्या है अपना प्रोसेस ऑफ रस्टिंग, आयरन ऑक्सीजन और Fe2O3 जैसा बताया सतीश ने, ठीक है, प्लस वाटर, XH2 अपन देखते हैं वाटर वेपर की फॉर्म में उसके साथ अटैच होता है, ऐसे ओजोन अपन ने पढ़ा हुआ है डायरेक्ट, ओजोन अपना जैसे नीचे होता है ट्रोपोस्फियर में और स्ट्रेटोस्फियर में, तो स्ट्रेटोस्फियर वाली जो ओजोन है वो तो अच्छी मानी जाती है और जो ट्रोपोस्फियर वाली जो है वो गंदी मानी जाती है, वो क्या करती है ऑक्सीडेशन करती है, और जो अपने वेरियस मतलब ऑक्सीडेशन की वजह से केमिकल चेंजेस भी होते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होता है कि लेयर ऑफ जिंक, जैसे आयरन जो होता है आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम उसपे जिंक की एक लेयर लगा देते हैं, जिंक इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं गैल्वनाइजेशन, ये चीज याद रखनी है, सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है व्हाट इज गैल्वनाइजेशन, और गैल्वनाइजेशन में आयरन भी, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऐसे ही देखो क्रिस्टलाइजेशन, ये भी एक प्रोसेस होता है जहां पे क्रिस्टल्स बनते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन अपन ने लिया, ठीक है, उसको हीट किया तो यहाँ पे इसके कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन क्रिस्टल्स बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही जैसे मान लो सॉल्ट है, पानी वेपोरेट हुआ और NaCl सॉल्ट बन गया, तो उसके जो अलग अलग क्रिस्टल्स बन जाते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, तो ये भी प्रोसेस जो है ये क्या कहलाता है क्रिस्टलाइज। चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट।
अब देखो सेवेंथ है वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। कल अपन ने देखा था एक्लेमेटाइजेशन, ठीक है। एक्लेमेटाइजेशन क्या होता है? शॉर्ट पीरियड में। एडेप्टेशंस क्या होती हैं? लॉन्गर पीरियड में। अब वेदर और क्लाइमेट में भी अंतर मैंने बताया था, एनवायरमेंट में भी अपन ने देखा था। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक बड़ा फिनोमेना है, मतलब एक लॉन्गर जो प्रोसेस रहता है वो क्या कहलाता है? क्लाइमेट चेंज। वेदर क्या आता है? वेदर एक शॉर्ट फिनोमेना है, ठीक है, छोटे टाइम के लिए। आज का वेदर, कल का वेदर, इस टाइप का जो प्रोसेस रहेगा वो क्या कहलाएगा? वेदर, ठीक है। तो वेदर बेसिकली क्या है? इंफॉर्मेशन, जैसे 24 आवरली की भाई कितना टेम्परेचर रहेगा, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सब क्या हो जाता है? वेदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक रेन गोज टर्म आ रही है। रेन गोज क्या होता है? कितने mm रेन हुई, ठीक है। तो रेनफॉल को तो जो मेजर करता है बेसिकली वो आपका होता है रेन गोज, ठीक है। तो करते क्या है, एक बेसिकली सिलेंडर सा होता है, तो बारिश हो रही है तो उस सिलेंडर में पानी आएगा, बाहर भी जितना आएगा उतना आएगा, जितना इसमें कलेक्ट हो जाएगा जितने mm तक तो उतने ही mm बारिश होगी, बस और कुछ नहीं है। अब ये जो डे टू डे कंडीशंस हैं इनको अपन क्या बोलते हैं? वेदर। और वेदर जो आपका दिन प्रतिदिन भी चेंज होता है, वीकली चेंज होता है, और जैसे मान लो गर्मियों में अलग वेदर है, सर्दियों में अलग वेदर, बट क्लाइमेट, ठीक है, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्लाइमेट और इस टाइप का क्लाइमेट, तो ये अपना चलता है, ठीक है। क्लाइमेट एक अलग चीज है, क्लाइमेट लॉन्गर, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने अलग अलग ये देके बता रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और देखो हमेशा दो चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं, टेम्परेचर एंड रेनफॉल, ठीक है। दोनों को जो कंट्रोल करता है कौन करता है? सन। सन ही आपका टेम्परेचर करेगा, टेम्परेचर से ही आसपास जितने वाटर वेपर्स हैं कितना इवेपोरेशन होगा वो सारी चीजें डिसाइड होती है, और वहीं से आपका रेनफॉल डिसाइड होता है। जैसे अर्थ है, अर्थ के इक्वेटर के पास जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और अपने ये सब होते हैं वहां पे जो है, ठीक है, वो जो प्रोसेस है वो जो रहेगा ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। और सन ही हमारा प्राइमरी सोर्स है एनर्जी, ये हमें पता है। क्लाइमेट क्या हो गया? जैसे एवरेज ऑफ 25 ईयर्स अपन बोले तो क्लाइमेट, ये एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है जे एंड के तिरुवनंतपुरम के केस में, ये भी डेली मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर अगर देखो तो 22 22 24 24 लगभग सेम टेम्परेचर चल रहा है, मैक्सिमम लगभग सेम सा चल रहा है। बट यहाँ पे देखो -2 भी जा रहा है, 4, ठीक है, 30 तक भी गया जुलाई में, तो ये वेरिएशंस बहुत ज्यादा है। तो जे एंड के में वेरिएशंस बहुत ज्यादा रहेंगी जबकि सी के आसपास जो अपना है वहां पे कम रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही जैसे राजस्थान में अपन बात करें तो वहां पे भी ऐसे ही टेम्परेचर की वेरिएशंस, इवन नाइट्स बहुत कोल्ड नाइट होती है वहां पे, ठीक है, और दिन में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, हॉट एंड ड्राई। नॉर्थ ईस्ट वाला जो वेदर है, सॉरी क्लाइमेट है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं? वेट क्लाइमेट, ठीक है। अब इसमें जैसे क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस, अडेप्टेशन आपकी क्या रहती हैं? एक लंबे प्रोसेस, ठीक है, एक लॉन्गर टाइम पीरियड में जो अपनी चीजें रहती हैं वो अपना क्या कहलाता है? अडेप्टेशन, ठीक है। अब देखो अलग अलग रीजन के इन्होंने डिस्कस कर रखे हैं, जैसे पोलार रीजन, पोलार रीजन में अपने अडेप्टेशन में अगर अपन देखेंगे तो पोलार बियर जो है व्हाइट फर उसका होता है, ठीक है, एक तो फर है और व्हाइट कलर का है, फर की वजह से जैसे स्नो वगैरह है या टेम्परेचर जो कम रहता है उसको एक तो ये प्रोटेक्ट करेगा फर्स्ट थिंग, सेकंड जो आपका ये है व्हाइट कलर है, तो वहां पे अगर मान लो कोई इस पर अटैक करने आ रहा है या इसको खुद ही किसी पर अटैक करना है तो वो उस चीज में भी फैसिलिटेट करता है, ठीक है। तो प्रोटेक्ट भी करता है, प्रे को कैच करने में हेल्प भी करता है, ठीक है। दो लेयर्स होती हैं फर की, ऐसे ही जैसे अब ये पेंगुइन्स हैं, पेंगुइन्स भी साथ साथ रहते हैं, इनमें भी यही रहता है। ये अपना काम का नहीं है ये सब, ये थोड़ा बस बच्चों को समझाने के लिए, ठीक है। साइबेरियन क्रेन, देखो अब यहाँ पे क्या है कि साइबेरिया से जो ये आते हैं साइबेरियन क्रेन, भरतपुर या फिर अपने सुल्तानपुर, हरियाणा में दो नेशनल पार्क है, पहला तो सुल्तानपुर यहाँ पे आ गया, सेकेंड कहाँ है ये कमेंट करो भाई, बताओ सेकेंड वाला नेशनल पार्क कहाँ है। तो अब इसमें देखो साइबेरियन क्रेन वहां से यहाँ पे क्यों है? अब वहां पे जो आपका क्लाइमेट है वो जैसे ही एकदम से चेंज हुआ तो ये क्या होता है कि मतलब एकदम से तो चेंज हो नहीं सकता, ठीक है, ये क्या होएगा कि दूसरी जगह माइग्रेट कर जाएगा जहां पे इसको सुटेबल क्लाइमेट मिलेगा, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, ठीक है, माइग्रेट कर जाते हैं। यहाँ पे देखो 15,000 किलोमीटर,
हाड़ा सर यमुना नगर है। यस ठीक है। चलो सुल्तानपुर एंड कालेसर। यस गुलशन भिंडावास नहीं है। ठीक है अब देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब ऐसे ही अगर अपन देखेंगे तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले हैं यहाँ पे देखो ये जो मेंढक है ये मेंढक दिख रहा है ये है। ठीक है ये देख ये जो बंदर है ये भी बिल्कुल मैचिंग मैचिंग से हो गए तो ये भी हेल्प करते हैं इनको सर्वाइवल में। ठीक है यहाँ पे 15 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक। ठीक है और नाइट और जो डे है वो भी आपका लगभग लगभग इक्वल रहता है थ्रू आउट। ठीक है ये इसमें एग्जांपल दे रखे हैं टोकून। ठीक है लॉइन टेल मकैक ये अपना मिलता है वेस्टर्न घाट्स में। ये सवाल पूछा जा सकता है ये ध्यान रखना एचसीएस में भी यूपीएससी। ठीक है लॉइन टेल। ठीक है तो बंदर जो है वो वेस्टर्न घाट्स में है। गोल्डन लंगूर। गोल्डन लंगूर जो है वो अपना ईस्टर्न घाट्स में मिलता है नॉर्थ ईस्ट में। सॉरी नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है M4 यमुनानगर। ठीक है अनदर। अब जैसे इंडियन एलिफेंट है ये भी आपका ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है। ठीक है नेक्स्ट हमारा चैप्टर है विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। देखो अभी भी विंड क्या होती है बेसिकली लो प्रेशर हाई प्रेशर। ठीक है हाई प्रेशर मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल्स इन सिंपल टर्म्स। लो प्रेशर मतलब कम मॉलिक्यूल्स 4 मॉलिक्यूल। ठीक है इनका प्रेशर भी कम जितने मॉलिक्यूल रहेंगे उतना ही आपका प्रेशर चलेगा। तो कोई भी मूवमेंट है ये यहाँ पे ज्यादा है तो ज्यादा से इधर की तरफ जाएगी तो हमेशा हवा ऐसे ही जाएगी। तो जैसे ये सवाल पूछा गया था एकदम से मान लो लो प्रेशर आपका हो रहा है किसी जगह पे तो वहां पे क्या होगा बाहर से एकदम से अपनी एयर आएगी। ठीक है तो स्ट्रॉम साइक्लोन्स विंड्स जो हमारी बनती हैं वो ऐसे बनती हैं एकदम से। ठीक है ये हो गया। तो ये आपका हो जाएगा लो प्रेशर। ठीक है अब इसमें हल्का फुल्का बता रखा है साइक्लोन और इन सब का जो अपने काम का वो देखेंगे। ठीक है तो हाई स्पीड विंड आर अकंपनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। जैसे ही एयर प्रेशर रिड्यूस हुआ लो प्रेशर बना तो हाई स्पीड एकदम से यहां पे आएगा। ठीक है अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लो सवाल ऐसा पूछा जाता है बैरोमीटर यानी एटमोस्फेरिक प्रेशर की बैरोमीटर की रीडिंग्स एकदम से अपनी डिक्रीज होगी तो आपका क्या रहेगा। ठीक है तो एकदम से अपनी एयर्स वहां पे आएंगी साइक्लोनिक कंडीशंस आ सकती है। ठीक है स्टॉर्म्स आ सकते हैं ये अलग अलग अपनी वो है कुछ का। जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा प्रेशर में ठीक है तो उतना ही ज्यादा फास्ट मूवमेंट रहेगी ये चीज ध्यान रखनी है। और यही जो प्रेशर है वही आपका टेम्परेचर की वजह से डिसाइड होगा टेम्परेचर इंक्रीज लो प्रेशर। ठीक है ये ध्यान रखिए आई ऑफ साइक्लोन। यस वहां पे आपका प्रेशर कम रहता है। येलो अलर्ट इन हरियाणा 30 और 31 को। ओके ठीक है व्हेन द सेम थिंग ऑक्युपाइज मोर। अब देखो ये क्या है अब जैसे ये सिंपल सी चीज है कि भाई ये था यहाँ पे गर्म करना शुरू किया तो यहाँ पे मान लेते हैं इतने से वो थे मॉलिक्यूल्स थे। अब जैसे ही गर्म किया हो सकता है कुछ बाहर निकल के कुछ बच के कम। ठीक है तो व्हेन द सेम थिंग ऑक्युपाइज मोर स्पेस वो लाइटर बन जाएगी। ठीक है क्यों क्योंकि जैसे ज्यादा स्पेस में आ जाएगी पहले यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल थे अब 4 मॉलिक्यूल है 10 के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए। ठीक है तो लाइटर हो गया डेंसिटी कम हो जाएगी डेंसिटी आपका क्या रहता है। ठीक है और जैसे कोल्ड है जैसे ही ठंडा किया तो पास पास आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कोल्ड डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है ये भी चीज ध्यान रखनी है। ये ज्योग्राफी में आपने पढ़ लिया होगा उतना अपना यहाँ पे साइंस के हिसाब से उतना काम का है। ठीक है अब ये थंडर स्ट्रॉम है साइक्लोन्स है ये क्या होते हैं। थंडर स्ट्रॉम भी आपके हॉट ह्यूमिड में मिलते हैं इंडिया में भी देखे जाते हैं फ्रिक्वेंटली। ठीक है एकदम से गर्म राइजिंग द टेम्परेचर। ठीक है एकदम से टेम्परेचर बढ़ेगा लो प्रेशर क्रिएट होगा और एकदम से आपका वो आ जाएगा। ठीक है राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स ये चीज ध्यान रखनी है। एकदम से पहले तो ऊपर की तरफ जाएंगी विंड्स फिर नीचे की तरफ आएंगी। ठीक है कोल्ड एकदम से नीचे की तरफ आएगी तो वो ठंडा करते हुए आएगी और बारिश। ठीक है तो वाटर ड्रॉपलेट्स है अपवर्ड जाएंगी ठंडी हो जाएंगी फिर नीचे आएंगी ऐसे ही ये मूव करता है। और साथ में इसके क्या होती है लाइटनिंग और यही क्या कहलाता है थंडर स्ट्रॉम। ये
यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स बता रखे हैं ये, वैसे कि भाई मान लो एकदम से ऐसे कंडीशन हो जाए तो एक तो आपको पेड़ के नीचे नहीं जाना है, ठीक है, ग्राउंड पे लेटना नहीं है, ठीक है, और अम्ब्रेला के अंदर नहीं जाना है या फिर किसी मेटेलिक चीज के अंदर नहीं जाना है, विंडो के पास में नहीं बैठना है, कार या बस में आप बैठ सकते हो, ठीक है, और अगर पानी में है, स्विमिंग पूल में है, तो पानी से बाहर निकल के बिल्डिंग में घुस जाओ, ठीक है, जनरल से काम थे वैसे कुछ। स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लोन, देखो साइक्लोन में बहुत सारी चीजें होती हैं, आई जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वहां पे लो प्रेशर होता है 10 से लेके 30 किलोमीटर की तक की होती है, जैसे ही एकदम से आई आती है ना तो क्या होता है आपका ऐसा लगता है कि साइक्लोन चला गया, लोग क्या होते हैं जनरली बाहर आ जाते थे पहले जब इतनी नॉलेज नहीं थी ना इसको, अपने अपने को पता नहीं था कि साइक्लोन की ऐसी स्ट्रक्चर होती है, तो लोग बाहर आ जाते थे तो डैमेज हो जाता था एकदम से, बट फिर से वो क्योंकि साइक्लोन की जो आई है, आई कवर अप होती है लैंडफॉल, लैंडफॉल मतलब जहां पे साइक्लोन आके गिरता है वो उसको कवर अप करते हुए जाता है, फिर आई आएगी, आई के बाद फिर दोबारा आगे वाला हिस्सा आएगा तो वो फिर से और वो हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, चलो। देन बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है, वाटर वेपर्स आपके ऊपर जाएंगे एटमोसफेयर में और ऊपर से फिर नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, जितना ज्यादा ऊपर जाते जाते हैं कंडेंस होके फिर नीचे आएंगे, रेनफॉल होता है। ये स्ट्रक्चर वगैरह बना रखे, ज्योग्राफी में आप लोग इसको कर चुके हो अच्छे से, टाइम और ज्यादा नहीं लेंगे अभी। अब जैसे साइक्लोन है, साइक्लोन से डिस्ट्रक्शन भी बहुत हैवी होती हैं, पानी वगैरह भी जैसे सुनामी टाइप भी आ जाता है, ठीक है, 3 से 12 मीटर सी वेव्स बहुत ऊपर तक चली जाती है, ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये अलग अलग नाम है, ये सवाल पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना है। हरिकेन, हरिकेन अपन कहाँ बोलते हैं, अमेरिका के आसपास, टाइफून चाइना के आसपास, ठीक है, जापान और फिलीपींस में अपन बोलते हैं टाइफून, ये टर्म याद रखनी है, टाइफून हरिकेन साइक्लोन, इंडिया में इंडिया की साइक्लोन की नेमिंग यूपीएससी में भी पूछा गया था क्यों नेमिंग होती है, ठीक है, अभी भी जैसे अलग अलग अपन नाम देते हैं इनको, वो भी ध्यान रखना है। देखो कभी भी कोई भी टोर्नेडो आ जाता है, टोर्नेडो क्या होता है, जैसे साइक्लोन होता है वैसे ही टोर्नेडो भी लो प्रेशर चीज होती है, फनल शेप्ड होता है, वो सारा का सारा सक कर लेता है, ठीक है, विली विली ऑस्ट्रेलिया, यस, तो ये अपना सक कर लेता है पानी को या फिर और भी कोई भी जो भी मटेरियल आपका आता है ना उसको सक करके ऊपर की तरफ लेके चला जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये अपना हो जाता है साइक्लोन, सॉरी टोर्नेडो, टोर्नेडो में सारे के सारे डेब्रिस वगैरह आ जाते हैं, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम टोर्नेडो इस सिचुएशन में चले जाना, इंडिया में तो नहीं आते, ठीक है, हमारे कंट्री में तो है ही नहीं, यूएसए वगैरह में आते हैं, ठीक है, ज्यादातर टोर्नेडोज वीक होते हैं, स्पीड 200-300 तक भी हो सकती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, और विद इन द साइक्लोन भी आपका टोर्नेडो बन सकता है। अब जैसे ये एक जनरल सी चीजें हैं कि लोगों को क्या करना चाहिए, मेटेरोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसकी जो भी अपनी एडवाइसेस वगैरह है उनको फॉलो करो। देखो ये ध्यान रखना, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर क्या है, एनीमो मीन्स एयर, मीटर मीन्स नापने वाला, तो एनीमोमीटर क्या होता है, स्पीड ऑफ द विंड को मेजर करता है, ठीक है, एक होता है विंड गोज, विंड गोज क्या होता है, विंड गोज जो ये डायरेक्शन को बताता है, ठीक है, और जबकि एनीमोमीटर क्या होता है, स्पीड को बताता है, ठीक है, ऐसे ही अपने पास आएगा ऑडोमीटर, ठीक होता है स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर तो क्या होता है, स्पीड को बताता है, ठीक है, मैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ से जा रहा हूँ, 40 के जा रहा हूँ, 50 से जा रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर क्या होता है, डिस्टेंस बताता है, ठीक है, ये तीन चारों नाम जो आपके पास आए हैं तीनों चारों ध्यान रखना है, एनीमोमीटर, ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर, ठीक है, ध्यान रखना, ये चैप्टर हो गया है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है सोयल, ठीक है, चैप्टर नंबर 9, तो सोयल में बेसिकली क्या है, देखो सोयल अपनी क्या होती है, एक तो ज्योग्राफी में वैसे ही डिटेल में आप लोग पढ़ चुके हो, रेड सोयल ब्लैक सोयल और ये सब सारे के सारे आपको पता ही है, बेसिक बेसिक इस चैप्टर में जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ मैं बता देता हूँ, ठीक है, तो सोयल अपना नेचुरल रिसोर्सेज है, इसी में ही क्या होता है, सोयल से ही आपके न्यूट्रिएंट मिलते हैं, सोयल से ही अपने प्लांट बनेंगे, प्लांट से ही एनिमल्स खा के बड़े होते हैं, तो सोयल ही है जहां से बेसिकली अपन बोल सकते हैं कि अपनी जो लाइफ है, लाइफ की उत्पत्ति जो हो रही है वो कहाँ से हो रही है, सोयल, ठीक है, तो यही अपन एग्रीकल्चर करते हैं, फूड मिलता है, क्लोथिंग, शेल्टर, क्योंकि सोयल से ही आप ब्रिक प्लेन्स, ठीक है, घर बनाते हैं अपन, वो भी सोयल से ही बना, क्लोथिंग,
जो भी अपन ने टेक्सटाइल वगैरह किया वो भी सोयल से ही किया, ठीक है। और मिट्टी दी खुशबू, ये गाना भी एक बहुत प्यारा गाना है, मिट्टी दी खुशबू, ठीक है। और जो पहली अपनी स्मेल आती है, ठीक है, सोयल की, वो आपकी क्या रहती है, बड़ी भीनी भीनी से खुशबू रहती है ना। सतीश क्लास कब तक है सर, आयुष्मान खुराना, यस फेवरेट सॉन्ग क्लास। यार मैं तो ये सोच के चला हूँ कि देखो आधे चैप्टर हुए हैं, 18 चैप्टर है इसमें, सारे कंप्लीट कराएंगे क्लास 7th के, तो अभी 8:40 हुए हैं, 10 बजे तक भी चल सकती है, 10 o'clock, ठीक है। बाकी देखते हैं जितनी मेरी हिम्मत रहेगी उतनी मैं क्लास लेंगे, अगर 10 बजे तक नहीं ले जाएगी तो पहले छोड़ देंगे, और अगर 10 बजे तक ली जाएगी तो अपन 10 o'clock तक लेंगे। ठीक है ठीक है, पिटरी चोर, चलो अब देखो, अब इसमें सॉयल है, सॉयल के अलग अलग बता रखे हैं, जैसे अगर इसमें अपन देखें ह्यूमस सबसे ऊपर वाला जो रहता है वो ह्यूमस, ठीक है, वाटर, क्ले, सैंड, ग्रेवल, ये तो चलो कुछ नहीं। ओके प्रेगनेंस, बीच में गैप ले लेंगे अमित, ठीक है, अभी अगर गैप लेना है अभी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सोयल वाला चैप्टर कंप्लीट करके 15 मिनट का गैप ले लेंगे, फिर अपन आराम से इसको रिज्यूम करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली लंबी नहीं करेंगे। एक बार सोयल वाला चैप्टर खत्म करके गैप ले लेंगे भाई, 15 मिनट का या 20 मिनट का, जितनी भी देर की बोलोगे ना उतने देर का गैप ले लेंगे, 20 मिनट का गैप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये चैप्टर देख लेते हैं, पॉलिथिन बैग्स वगैरह हैं या फिर पॉल्यूटेंट्स हैं उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है, ठीक है, सॉयल पोल्यूशन हो जाता है, ये अपने को पता ही है। सबसे ऊपर वाली लेयर क्या होती है, जिसमें डेड मटेरियल वगैरह होता है, जिसको अपन ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। और अब इसमें देखो अलग अलग टर्म्स है, वेदरिंग, वेदर की वजह से जो ब्रेकडाउन होता है रॉक्स और उसका ब्रेकडाउन, और उसके जो ये अपना है विंड वाटर वगैरह, या फिर क्लाइमेट की वजह से अपना वो रहता है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं वेदरिंग, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। ऐसे ही वर्टिकल सेक्शन में अगर अपन इसको अरेंज करते हैं तो सोयल प्रोफाइल, ये आप वैसे ज्योग्राफी में कर चुके हो, ठीक है, ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन, बेड रॉक, ये मैंने उसमें भी कराया था, ठीक है, एलुवियल जोन ई, ठीक है, एलुवियल जोन, ये अपन ने एनवायरमेंट में भी किया। सोयल प्रोफाइल सबसे ऊपर वाली है, उसी में ही सारे के सारे अपने मेन अपने जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो सारे उसी में ही रहते हैं, ह्यूमस और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अपर मोस्ट होराइजन जनरली डार्क कलर होता है, क्यों, क्योंकि ह्यूमस की वजह, ठीक है। बेडरॉक जो हार्ड और डिफिकल्ट टू डिग विद स्पेड, मतलब सारा का सारा टूटा नहीं है, बेडरॉक पे जो मोटे मोटे आपके रॉक्स है वो छोटा छोटा बन जाता है, फिर और छोटा छोटा बन जाता है, तो ऐसे चलेंगे, ठीक है। सॉइल टाइप्स, तो ये तो अपना हो गया, आप अलग अलग टाइप के अपने जैसे सैंड, क्ले, इस वाले चैप्टर में इन्होंने ना, इस वाले चैप्टर में इन्होंने बेसिकली ये इस टाइप से बता रखे हैं कि सैंड है, क्ले है, क्ले में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सैंड में बड़े बड़े दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें एयर होगी बेसिकली, मिक्सचर ऑफ रॉक, तो ये तो अपना हो ही गया, ह्यूमस सॉइल कहलाता है, रॉक और इन सब का मिक्सचर, तो जिसमें बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो सैंडी हो जाता है, फाइन पार्टिकल्स होते हैं क्ले हो जाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी उसी हिसाब से रहती है, तो बड़े जो पार्टिकल है उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा नहीं होती, जबकि जो सॉयल और क्ले हैं इनकी ज्यादा होती है, ठीक है। सैंडी आपकी लाइट कलर की होती है, एरेटेड होती है, ठीक है, ड्राई होती है, क्ले पार्टिकल्स हमारे जो होते हैं छोटे होते हैं और ये अलग अलग होते हैं, ठीक है, इसमें हवा कम होती है। लूमी, लूमी लगभग बीच का होता है, बेस्ट टॉप सोयल प्लांट्स के लिए क्या होती है, लूमी मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले और अलग अलग, ठीक है। सिल्ट, सिल्ट भी ऐसे ही होते हैं अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है। परकोलेशन, देखो परकोलेशन रेट, पानी जो आप अगर सोयल में डालोगे तो वो कितने नीचे तक जाता है, वो क्या हो जाता है परकोलेशन, ठीक है। परकोलेशन रेट क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन कितने टाइम में वो गया, मान लो 200 ml गया 20 मिनट में,
है, परकोलेट हुआ नीचे की तरफ, कुछ नहीं है, काम का नहीं है। सॉइल एंड क्रॉप्स अपने को पता है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए। जैसे जो अपना गंगा वाला रीजन है, ठीक है, राइस व्हीट ये सब मिलती हैं, ब्लैक सॉइल है वहां पे, कॉटन मिलती है, ठीक है। जो आपके डेजर्ट है या फिर ड्राई है, वहां पे अपन ग्राउंड नट्स और दाल वगैरह, मूंग ये सब करते हैं। तो अलग अलग सॉइल में अलग अलग आपकी क्रॉप्स मिलती हैं, ठीक है। डेक्कन वाला जो रीजन था, तो वहां पे अपने एरिका नट, चिली और ये सब मिलते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा क्ले की होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यस, हाँ क्ले की होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें। इसीलिए देखो ये क्ले है, क्ले के आपके बर्तन भी बनाए जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज अपने को पता होनी चाहिए, सोयल इरोजन। इरोजन क्या होता है? इसका टूटना, वाटर, विंड, आइस, किसी की भी वजह से सोयल की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, जब उसका इरोजन होता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं? सोयल इरोजन, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर वही होती है, और प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से ही दिक्कत आती है। गंगा के पानी में कीड़ा ना पड़ने, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो उसमें उसको डाइजेस्ट करके रखते हैं। अगर उसको में कुछ भी अलग अलग आता है ना, तो वो बैक्टीरिया की वजह से होता है कि कीड़ा नहीं पड़ता। अभी आजकल ऐसा कुछ नहीं होता, पहले ही ये माना जाता था, ठीक है। आजकल उतना नहीं है यार, अब सब पढ़ता है, पढ़ता भी है, घटता भी है, सब पढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, ये चैप्टर है रेस्पिरेशन इन द ऑर्गेनिजम्स। कोई नहीं, अभी ब्रेक ले लेते हैं अपन, आप ही लो, ठीक है। तो 20 मिनट का ब्रेक ले ले, 20 मिनट में जिसको खाना है वो खा लेगा, जिसको नहीं खाना है वो रेस्ट कर लेगा, मैं भी रेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। 9:05 पे मिलता है, 9:05, ठीक है भाई। जिसको खाना खाना है खा लो, 9:05 पे वी विल रिज्यूम द क्लास।
हेलो। हाँ जी, चलो ठीक है यार, शुरू करते हैं। 9:05 हो गए हैं, लेट अस स्टार्ट नाउ। करें शुरू। यस पॉइंट, यस जस्ट टाइप यस, वी विल स्टार्ट। चलो ठीक है। तो ये जो है नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, रेस्पिरेशन इन द ऑर्गेनिजम्स। एक तो बेसिकली अपने को ये पता होना चाहिए रेस्पिरेशन क्या है, कि जो अपने कार्बोहाइड्रेट वगैरह है ऑक्सीजन के साथ मिलके हम उससे एनर्जी निकाल लेते हैं, प्लस CO2 आपकी निकलती है। ठीक है, ये अपना रेस्पिरेशन होता है। इसी की वजह से अपने को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो जैसे ये एक एग्जाम्पल इसमें बता रखा है कि भाई ये भागा भागा आ रहा था, तो एकदम से उसके पास आया, तो रेन फास्ट और ये अपना यहाँ तक आया भी, ठीक है, और हाँपने लग गया। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन हम सिंपल टर्म्स में बोल सकते हैं कि भाई उसकी कमी हो गई। ठीक है, एकदम से रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ जाती है, उतनी ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती। ठीक है, नाउ लेट अस देखो देखो व्हाई डू वी रेस्पायर। रेस्पिरेशन के पीछे एक ही रीजन होता है, एनर्जी। ठीक है, तो टू परफॉर्म द फंक्शन अपने को क्या चाहिए, एनर्जी। स्लीपिंग, ईटिंग, रीडिंग, सब के लिए जो भी काम अपन कर रहे हैं उसके लिए अपने को एनर्जी चाहिए। यही एनर्जी कहाँ से आ रही है, रेस्पिरेशन से। ठीक है, तो सेलुलर लेवल पे जो अपना होता है उसको अपन बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। यहीं पे आपका ब्रेकडाउन होता है फूड का। अभी कुछ लोगों ने डिनर किया है, वही जो डिनर है वो थोड़ी देर में ब्रेकडाउन होकर एनर्जी की फॉर्म में आपका आएगा। ठीक है, अलग अलग सेल में अलग अलग ब्रेकडाउन होता है, सब अपना रेस्पिरेशन करती रहती हैं, और ओवरऑल ये जो सारा सिस्टम बनता है यही अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, ऑक्सीजन, अब इसमें देखो रेस्पिरेशन दो तरीके से हो सकता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या फिर एबसेंस में। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एन एरोबिक, एन मतलब एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब यही जो अपन ने पहले देखा था, लैक्टिक एसिड। देखो क्या होता है कि मान लेते हैं एकदम से जब काफी दिनों बाद हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तो क्या होता है कि मसल्स में पेन होने लग जाता है। वही जो पेन होता है वो किसकी वजह से होता है, लैक्टिक एसिड की फॉर्मुलेशन की वजह से वो पेन होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। और उसमें अगर अपन मसाज करें, हॉट वाटर बाथ, ठीक है, तो वो रिलीफ भी हो जाता है, वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है। अब इसमें अलग अलग प्रोसेसेस हैं। इनहेलेशन, इन मतलब इनसाइड, इनहेलेशन जब सांस अपन अंदर लेते हैं, एक्सहेलेशन जब सांस अपन बाहर लेते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग रेट अपना क्या हो गया, ब्रीदिंग रेट जो भी अपन फ्रीक्वेंसी, जो सांस लेने की फ्रीक्वेंसी है वो अपना हो जाता है ब्रीदिंग रेट। ठीक है, अब देखो हाउ डू वी ब्रीथ, जैसे अपने खाने वाले में अपन देखे थे, तो जो बक्कल कैविटी थी उसकी जगह यहाँ पे क्या है, नेजल कैविटी। ठीक है, ये वैसे तो कॉमन होता है, बक्कल कैविटी ऊपर नेजल कैविटी दोनों यहाँ पे मिलते हैं, फेरिंग्स में ये कॉमन ओपनिंग होती है। फिर ये इधर से कहाँ पे चला जाएगा, लंग्स में। ठीक है, ब्रोंकियोल्स, तो ये आपके लंग्स हो जाएंगे चेस्ट कैविटी में। ठीक है, दोनों साइड अपने लंग्स होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और नीचे की तरफ अगर ये जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस जाके जे शेप्ड आपका स्टमक, वो डाइजेस्टिव सिस्टम था, ये अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है। यहाँ पे लंग्स है, चेस्ट कैविटी है, डायफ्राम है, नीचे एक ये डायफ्राम होता है, गोल गोल होता है, बनाते टाइम आर्च की फॉर्म में बनेगा, गोल गोल होता है, उससे बीच में दो तीन छेद छेद होते हैं, जिसमें से एक स्टमक का छेद होता है। ठीक है, एक आर्टरी का छेद होता है, इन्फीरियर वेना कावा, आओर्टा, इनके छेद होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। डायफ्राम बेसिकली क्या होता है, जैसे ये हो गया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये सपाट हो जाता है, सपाट हो जाता है तो क्या होता है कि जो लंग्स है, पहले मान लेते हैं इतने स्पेस में थे लंग, अब ये इतने स्पेस में हो गए, ज्यादा स्पेस में, तो स्पेस बढ़ेगा, हवा अंदर आएगी। ठीक है, तो ये इस चीज में हेल्प करता है। ये सब वही बता रखा है, फेरिंग्स, ये वाला रीजन फेरिंग्स होता है। ट्रैकिया, जो गोल गोल अपना एडम्स एप्पल होता है उसके नीचे क्या होता है, ट्रैकिया। ठीक है, ये हो गया लंग्स, रिब्स, ये सारी की सारी चीजें हो गई हैं।
ये जो है डायफ्राम, डायफ्राम नीचे की तरफ जब वो करता है ठीक है, तो स्पेस ज्यादा बन जाता है और हवा इजिली आ पाती है। जब ये ऊपर की तरफ करता है तो हवा बाहर निकल जाती है आउट, ठीक है। अब एक हल्का फुल्का अपने को ये पता होना चाहिए, ये तो चलो कुछ नहीं, रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो अपनी प्राणायाम होती है, इससे जो आपकी लंग्स की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। ज्यादा ऑक्सीजन आपको सप्लाई होगी बेटर ब्लड सेल्स, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब जैसे ये देखो, ये वाली टेबल है, ये इंपॉर्टेंट है। जो हम इनहेल करते हैं वो अपने देखा था, 78% आपकी नाइट्रोजन होती है, 31% ऑक्सीजन एंड 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो एक्सहेल्ड एयर है उसमें 4% CO2 होती है और 16% ऑक्सीजन होती है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। दूसरे जो एनिमल्स हैं, जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, कॉकरोच है, कॉकरोच में साइड में ये ओपनिंग्स होती हैं जिसको ये बोलते हैं स्पायरिकल्स, ठीक है, स्पायरिकल्स, ट्रैकिया भी बोलते हैं इनको। ये ट्रैकिया हो गए, ये यहाँ से आपका हवा लेता है। ऐसे ही अर्थवर्म जो होता है उसकी स्किन, स्किन में जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर, मॉइस्ट, क्लिमी, तो ये जो अपनी होती है वो, ठीक है, तो यहाँ से आपकी ब्रीदिंग होती है अर्थवर्म की स्किन से। कंसेंट्रेशन एंड स्ट्रेस रिलीफ, यस सही बात है, ठीक है। फिर अपन ब्रीदिंग अंडर वाटर अगर अपन देखें तो जो अपने फिशेज होती हैं, फिशेज में क्या होते हैं, गिल्स, ठीक है, ब्लो होल्स, कल अपन ने देखे थे ब्लो होल्स, ठीक है। तो जो वेल है या फिर अलग मैमल्स हैं अपने, ठीक है, डॉल्फिन्स वगैरह, उनमें ब्लो होल्स होते हैं। ऐसे ही ये तो हो गया। क्या प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं? यस, देखो रेस्पिरेशन एक ऐसी चीज है जो चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी हो, जीवन के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए रेस्पिरेशन चाहिए, ये तो करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपका, ऑक्सीजन आएगी, CO2 बाहर जाएगी, और इसका उल्टा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स में होता है ऑक्सीजन बनती है, ठीक है। ये अपना हो गया है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। देखो अब ये जो डायग्राम बना रखा है, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, यस सतीश, देखो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये अपने आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। जैसे ये देखो आपको हार्ट दिख रहा है, हार्ट में जो ब्लू है, ब्लू में मतलब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब ऑक्सीजन की कमी है, बट यही फिर लंग्स में जाता है, लंग्स में ऑक्सीजन ऐड होती है और यही ब्लड फिर आपके हर बॉडी पार्ट्स में जाता है। ये अपना जो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें मेन जो होता है ब्लड, ठीक है, ब्लड ही लेके जाता है, ब्लड में होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा में फिर आपके RBC, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है, RBC, WBCs होती है, ये फिर अलग अलग चीजों में काम करती है। RBC में अपने पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन, ये आपको ध्यान रखना है, हीमोग्लोबिन ही हमारा ऑक्सीजन को अटैच करके इसके ट्रांसपोर्टेशन को हेल्प करता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन बाइंड करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है इन सब चीजों को, यस। व्हाइट ब्लड सेल्स, WBCs जो होती हैं, ये इन्फेक्शन में फाइट करने में हेल्प करती हैं। कोई भी इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है तो उसमें आपने देखा होगा कि WBC बढ़ी हुई मिलती है, ये जो WBC बढ़ी हुई मिलती है तो वो इन्फेक्शन को दिखाती है, ठीक है, इसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ वो नहीं पता चलता। ऐसे ही फिर अपनी होती है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या होती हैं, मान लो एकदम से आपको चोट लगी, चोट लगी तो वो जो खून बह रहा है, वो जो थक्का बनता है, क्लॉटिंग, क्लॉटिंग बनती है प्लेटलेट्स की वजह से। प्लेटलेट्स की जो कमी होती है, वो जो कमी होती है उसकी वजह से क्या होता है, बेसिकली खून के थक्के बनने बंद हो जाते हैं, ठीक है, तो ब्लीडिंग हो जाती है। आपने देखा होगा डेंगू, डेंगू जिसको भी डेंगू हो जाता है ना, तो उसमें आप अगर देखोगे तो उसमें ब्लीडिंग होती है, ठीक है, तो ये जो ब्लीडिंग की वजह से फिर ब्लड लॉस होएगा, डेथ होने के चांसेस भी हो जाते हैं हेमरेजिक डेंगू में, ठीक है, हेमरेजिक, बहुत ज्यादा ही आँख, कान, नाक, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो ये दिक्कत। फिर ये अलग अलग चीजें, जैसे आर्टरी वेन, आर्टरी क्या होती है, जैसे आपका ये हार्ट, सॉरी ये लंग्स है, ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट से जो चीज बाहर निकलती है वो हो जाती है आर्टरी, ठीक है, और हार्ट के जो चीज अंदर आती है वो हो जाती है वेन। नॉर्मली क्या होता है कि बाहर निकलने वाली हार्ट से चीज होती है ऑक्सीजन वाली,
हार्ट से बाहर निकल के एक आर्टरी हमारी लंग्स में भी जाती है, जो लंग्स से फिर प्योर ब्लड हार्ट के अंदर लेके आती है, तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी। पल्मो मीन्स लंग्स, ठीक है। हीमोफीलिया, हाँ हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में भी होता है, क्लोटिंग अच्छे से नहीं हो पाती। तो ये अपना हो गया, देखो पल्मोनरी आर्टरी ये लेके तो जाती है, आर्टरी इज ऑलवेज अवे फ्रॉम हार्ट ऑलवेज, ठीक है। तो बट ऑलवेज ऑक्सीजन होगा क्या? नहीं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। फिर यहां से होती पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी जो जाती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ऑक्सीजन वाला ब्लड वो फिर हार्ट में लेके आती है, फिर वो सारा का सारा अपने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये देखो पल्मोनरी आर्टरी, ये जाएगी लंग्स में, प्योरीफाई होगा, पल्मोनरी वेन की तरफ फिर से आएगा, यहाँ पे फिर आर्टरी, कैपिलरीज, कैपिलरीज सारे के सारे अपने होती है, ठीक है। ब्लड भी अपन डोनेट करते हैं, पूरा का पूरा होल ब्लड भी दिया जाता है, ठीक है, प्लाज्मा भी दिया जाता है, ठीक है, फ्रैक्शनेटेड ये भी अपना रहता है। हार्ट क्या होता है? हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो आपका पंप करेगा, ठीक है, दिल बनाते हैं वैसे ही। इसके दो ऊपर चैम्बर होते हैं, दो नीचे चैम्बर होते हैं, ऊपर वालों को क्या बोलते हैं? एट्रियम और वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो दो एट्रियम होते हैं, दो वेंट्रिकल्स। तो ये डायग्राम है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये देखो राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी की पूरी आपके उससे आया है, ठीक है, बॉडी से। फिर ये इसमें आएगा लेफ्ट एट्रियम में, सॉरी राइट वेंट्रिकल में। फिर ये आपका जाएगा लंग्स में, लंग्स से प्योर होके फिर आता है लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड, और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी प्योर ब्लड, और फिर ये आओर्टा के थ्रू आपका जाएगा वहां पे, ठीक है। ये दिख रही आओर्टा, ये होती है ऐसी, ठीक है, बड़ी सारी आओर्टा के थ्रू जाता है। और ये नीचे है आईवीसी, इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कैवा, और ऊपर होती है एसवीसी, सुपीरियर वेना कैवा। वेना कैवा जो वेन्स ब्लड लेके आती है लंग्स से, सॉरी पूरी की पूरी बॉडी से, ठीक है। हार्ट बीट, अब ये अपनी होगी हार्ट बीट क्या होती है, जो ये जितना भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है, एक हार्ट बीट में एक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो नॉर्मली अपना क्या रहता है, 70 to 80 अपन नॉर्मल मान के चलते हैं, 72 के आसपास ज्यादातर लोगों में देखा जाता है ये। और ऐसे ही हार्ट बीट की जो फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको अपन मेजर करते हैं स्टेथोस्कोप से, ठीक है। डॉक्टर्स का ये होता है लैंडमार्क बोल लो, या फिर कि भाई मतलब उसी से ही रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ठीक है। तो ये होता है स्टेथोस्कोप, इसमें चेस्ट पीस होता है जो चेस्ट पे लगाया जाता है, ईयर पीस होता है जो सुना जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही अलग अलग एनिमल्स हैं, जैसे एनिमल हाइड्रा है, स्पंज है, उनमें भी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये वाला नाम आपको ध्यान रखना है, विलियम हार्वे, ठीक है। ब्लड सिस्टम जैसे ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ओ, ये जो सारा का सारा सिस्टम है विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया था, इनके नाम पे ही है, ठीक है। फिर यही जो ब्लड है हमारा, ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, ब्लड टॉक्सिन्स को लेके आएगा, CO2 को लेके आएगा, सारे के सारे को बाहर भी निकालेगा, ठीक है। तो ये हो गया, टॉक्सिन्स को रिमूव किया जाता है एक्सक्रीशन, ऐसे ही किडनीज में, ठीक है। बीन शेप्ड होती है आपकी किडनी, किडनी में ब्लड आता है, वो फिर फिल्टर होके लो मेलुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR इसको अपन बोलते हैं, लगभग लगभग सारा का सारा ब्लड धीरे धीरे आपका इससे निकल जाता है, ठीक है। इसमें अपनी किडनीज होती है मेनली, किडनी से एक्सक्रीट होके यूरिन निकल जाता है, यूरिन ब्लैडर के थ्रू जाएगा, ऐसे आएगा देखो, ठीक है। किडनी, यूरेटर, यूरेटर से ब्लैडर, ब्लैडर से आउट यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा लोपनिंग सबसे आउट से, ठीक है। ये सारा का सारा ध्यान रखेंगे। और एडल्ट में नॉर्मली क्या कहते हैं, फाउंडेशन में अपना 1.1, 1 से 1.5 लीटर यूरिन 24 घंटे में आपका बनता है। यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% ऑफ द वाटर, 2.5% ऑफ यूरिया, 2.5% ऑफ अदर वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, कई लोगों की किडनी जो है वो फंक्शनल नहीं रहती, तो वो जो प्योरिफिकेशन का फंक्शन है वो आपका बाहर किया जाता है, आर्टिफिशियल किडनी या डायलिसिस अपन इसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है, जैसे किडनी होती है वैसे ही फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। लब डब साउंड ऑफ हार्ट, यस ठीक है, बिकॉज बिल्कुल सही, लब डब ही इसको मैं बोलता हूँ, लब डब, लब डब, ठीक है। हार्ट बीट, सॉन्ग तो सारे ही याद है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंस इन द प्लांट्स, अब प्लांट में क्या होता है कि नीचे से अपन क्या कर रहे हैं, रूट, रूट से ऊपर की तरफ क्या आता है, पानी आता है, वाटर आता है, न्यूट्रिएंट आते हैं, ठीक है। ट्रांसपिरेशन के थ्रू पत्तियों से ये निकल जाता है, फोटोसिंथेसिस होता है, फूड बनता है, फूड नीचे की तरफ भी जाता है,
स्टोरेज भी होता है और ट्रांसपोर्ट भी होता है, ठीक है। तो फूड भी ट्रांसपोर्ट होता है और पानी भी ट्रांसपोर्ट होता है। अपने यहाँ पे क्या है, सारा का सारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या चलता है, ब्लड के अंदर एनिमल्स में, जबकि प्लांट्स में उल्टा चलता है। उल्टा इन द सेंस अलग अलग, जाइलम जो जो होता है जाइलम में पानी चलता है, ठीक है। फ्लोएम जो होता है फ्लोएम फ्लोएम में क्या चलता है, फूड। तो आउटसाइड जो बाहरी एरिया होता है, ये एक्सपेरिमेंट भी मैंने बताया था, तो इसमें अगर मान लो बार्क को अपन काट देते हैं यहाँ से चारों तरफ से, तो फूड आके ऐसे ऐसे डिपॉजिट हो जाता है चारों तरफ, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, यही दिखाता है कि आउटसाइड होता है फ्लोएम, इनसाइड होता है जाइलम, ठीक है। ये चीज भी ध्यान रखनी है। रूट्स में अपने होते हैं रूट हेयर, जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं पानी की एब्जॉर्प्शन में ज्यादा से ज्यादा। इन्हीं को वेस्कुलर टिश्यूज भी बोलते हैं, जाइलम होता है और फ्लोएम होता है, ये मैंने आपको बता दिए। पानी के लिए फ्लोएम, इज फॉर फूड के लिए, ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जो आपका लीव्स है, लीव से ऊपर की तरफ गया ट्रांसपिरेशन, ठीक है। वाटर इवेपोरेट हो जाता है थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनसे आपका बाहर निकलता है और यहीं से आपका इट ऑल्सो कूल्स द प्लांट, ठीक है। ये हो गया रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। देखो इसमें वैसे अलग अलग चीजें बता रखी हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिप्रोडक्शन वाला इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है, बट जो जो है तो देख लेते हैं। अब जैसे इसमें अलग अलग चीजें होती है, रूट, स्टेम, लीव्स, ठीक है, इनको बोलते हैं अपन वेजिटेटिव पार्ट। इन्हीं में फिर क्या होता है आपका, जैसे रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है आपका, सेक्सुअल एसेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होता है, जो सीड्स की वजह से बनता है, जिसमें सीड्स बनते हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज विदाउट सीड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है पहली चीज, तो एसेक्सुअल में बिना सीड्स के बनेगा, सेक्सुअल में सीड्स बनेंगे, ठीक है। ओवरी, ओव्यूल जो अपन ने देखे थे, ओवरी से अपना फ्रूट बनता है, ये चीज ध्यान रखेंगे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आपका होता है, जैसे कट किया उसमें से एक ब्रांच निकल गई, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे ये पोटैटो है, पोटैटो की आईज होती है, इसको काट के आप उगा सकते हो, ठीक है। ये होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ऐसे ही जैसे ईस्ट सेल है, इसमें अलग अलग बर्ड्स बनती हैं, ये बर्ड्स बन के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स बनाती हैं आपकी चेन ऑफ बर्ड्स, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है रिप्रोडक्शन का, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन। एक बड़ा आपका ऑर्गेनिज्म था, फ्रेगमेंट होके दो बन गए, फिर ये बड़े बड़े हो जाएंगे, फिर और फ्रेगमेंट होके चार बन जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने अलग अलग स्पोर फॉर्मेशन, जैसे फंगस जो होती है, ठीक है, फंगस में हाइफा ये फंगस है, तो इसमें स्पोरेंजियम होता है, ये गोल गोल, इसके अंदर छोटे 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 स्पोर्स होते हैं, यही स्पोर्स जब टूट के अलग अलग बन जाते हैं, फिर एक अलग अलग फंगस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये भी तरीका होता है। तो ये अलग अलग प्रोसेसेस हैं, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव में आएंगे, सेक्सुअल में आपके जैसे स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन, पिस्टल, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हल्का फुल्का ध्यान रखना है बस, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब अलग अलग दो अपने टाइप के फ्लावर्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल जिसमें मेल मेल मिलेगा, फीमेल फीमेल मिलेगा, बायसेक्सुअल में दोनों ही एक जगह मिल जाए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मेल गैमेट आपका बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा, एग जिसको अपन बोलते हैं, दोनों के दोनों फ्यूज होके क्या बन जाएंगे, जायगोट, ठीक है। ये ध्यान रखना है, यही जो प्रोसेस होता है पोलिनेशन, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में गैमेट्स ट्रांसफर होते हैं, इसको अपन बोलते हैं पोलिनेशन। ये दो टाइप का होता है आपका, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ मतलब उसी प्लांट में मेल और फीमेल का जो होगा पोलिनेशन, दैट इज सेल्फ पोलिनेशन, और जो अलग अलग प्लांट्स में होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, क्रॉस बोलेंगे, ठीक है। अब ये हो गया फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से आपका क्या बना, एम्ब्रियो। ये टर्म ध्यान रखनी है हल्की फुल्की, दैट्स इट। सीड डिस्पर्सल, सीड आपके घूम फिर के अलग अलग जगह पे जाते हैं, ये एयर, वाटर, सोयल या फिर एनिमल्स, अलग अलग उनकी वजह से हो सकता है। एक सेकेंड, ठीक है। तो अब जैसे देखो, ये आपटे के ये सनफ्लावर है, ठीक है, हेरी मदार आक, आपटा देखा होगा बचपन में, व्हाइट व्हाइट कलर का, उसके एक छोटा सा सीड होता है, ये क्या होता है, हवा से उड़ उड़ के चला जाता है, ठीक है।
ये हो गया अपना रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। मोशन एंड टाइम्स, देखो ये भी अपन ने जैसे मोटा मोटा इसमें जो कल मैंने बताया था, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्टेंस तो जैसे ए और बी, मोशन मतलब मूव कर रही है कोई भी चीज, मोशन हो सकता है यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म मतलब स्पीड यूनिफॉर्म होती है, 1 सेकंड में 1 मीटर गया, दूसरी सेकंड में दूसरा मीटर, तीसरी सेकंड में तीसरा मीटर, तो ये तो यूनिफॉर्म मोशन। जब स्पीड हमारी कॉन्स्टेंट होती है तब होती है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है अब्बू? हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं, ठीक है। तो ये देखो डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये दो चार चीजें अपने को पता होनी चाहिए, इन्हीं से ही अपने अलग अलग फॉर्मूले आएंगे, जैसे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज स्पीड, ये कल भी बताया था आज भी देख रहे हैं, बस उतना ही काम है। वेलोसिटी, वेलोसिटी का फार्मूला पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी है यानी इसकी डायरेक्शन भी है, ये स्केलर क्वांटिटी है यानी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही है। अब वेलोसिटी को अगर अपन आगे करें, वेलोसिटी बाय टाइम, अगर वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, मान लो 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था, फिर 30 की से हो गया, फिर 40 से हो गया, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रहा है, 10, 10, ये हो गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी बाय टी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ये दो चार चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। फ्लो, फास्ट, स्पीड, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में जब कांस्टेंट स्पीड होती है, स्पीड कांस्टेंट रखनी है यानी डिस्टेंस हमेशा, मान लो 20 किलोमीटर चलेगा हर 1 घंटे में, 20 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाता है कॉन्स्टेंट मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। और ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, जो यूनिफॉर्म ना हो, ठीक है, वो है नॉन यूनिफॉर्म। फिर अपन देखते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम, ठीक है, ये अलग अलग तरीके से अपन करते हैं। ओके, तो इसमें अपना क्या रहेगा, जैसे क्लॉक है, क्लॉक से अपन यूज करते हैं, पेंडुलम क्लॉक है जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन अपना होता है, टू फ्रो इसको बोलते हैं, इधर उधर से जाता है ना जो, तो ये मेन पोजीशन थी, ये अपन ने देखा था, इसका एक फार्मूला था 2π√L/g, ठीक है, लेंथ और ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है ये मोशन, ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं ऑक्सिलरेटरी मोशन, ऑक्सिलेशन जो होता है सेम यूनिट में, पेंडुलम बॉब, बॉब जो ये बॉल है इसको बॉब बोलते हैं, और यही होता है पेंडुलम, ठीक है, इसी से होता है ऑक्सिलेशन। ठीक है, अब ये सारी की सारी चीजें वही है, और कुछ नहीं है, स्पीड, टाइम, मेजरिंग स्पीड, ये दिल्ली का जंतर मंतर है, ठीक है। देखो दिल्ली वाला जंतर मंतर हमारी यूनेस्को की साइट्स में नहीं है, और ये सवाल पूछा गया था HCS में, ठीक है, कि भाई कौन कौन सा है, जयपुर वाला जंतर मंतर अपना यूनेस्को की साइट में, तो यूनेस्को की साइट भी आपको पता होनी चाहिए। ये है अलग अलग, कुछ नहीं है। अब जैसे ये मैंने बताया था आपको, तो ओडोमीटर, ओडोमीटर आ गया, डैशबोर्ड ऑफ द कार, ये जो अपना देखा हुआ है 58511, जो डिस्टेंस बताता है वो होता है ओडोमीटर, स्पीड जो बताता है स्पीडोमीटर, ठीक है, बस इतना सा ही ध्यान रखना। ये यूनिफॉर्म मोशन होने इतना टेक्निकल अपने काम का नहीं है, इतना नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 14, देखो इलेक्ट्रिक करंट और इन सब वाले में भी कुछ उतना काम का है नहीं, अब इसमें देख लेते हैं अगर कुछ मैंने मार्क कर रखा होगा जो जो इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो बैटरी, जब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल से आपने कनेक्ट कर दिया, इन ये वैसे तो सेल है, जैसे ही आप इनको कनेक्ट करोगे तभी ये बैटरी बनेगी, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है, तो इसको अपन बैटरी बोलते हैं, इतना चीज ध्यान रखनी है बस। ये अलग अलग एक्टिविटीज यहाँ पे दे रखी हैं पॉजिटिव। हाँ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये चीज ध्यान रखनी, आपने देखा होगा अपने पास हीटर होते हैं, ठीक है, उसमें हीटर में ऐसे गोल 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 घूमते हुए मोशन होता है, उसमें अपन जैसे ही बिजली पास करते हैं तो गर्म हो जाता है, गर्म होकर फिर उस पर पतीला वगैरह रख दो, पानी भी गर्म हो जाएगा, और ये ठीक है। ये देखो ये रहा हीटर, ये होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि एनर्जी, ठीक है, वी इक्वल्स टू आई आर होता है, पोटेंशियल इक्वल्स टू आई आर, और ये आई स्क्वायर आर,
ठीक है, वी इंटू आई, ये इसमें एनर्जी जो जाती है, हीट जो बनती है वो बनती है वी आई, यानी आई स्क्वायर आर बोल लो या तो, ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। फार्मूला काम के नहीं, बस इतना ध्यान रखना है कि यस आपकी कोई फॉयल होती है, फॉयल गर्म होती है तो फिर उससे ये अपना चल जाता है। ठीक है, फिर अपने पास सीएफएल लाइट्स होती हैं, एलईडी लाइट्स होती हैं। आज के टाइम पे अपन एलईडी यूज करते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड। सीएफएल क्या होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ठीक है, तो एलईडी जो है वो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है, एफिशिएंसी बेटर होती है, एनर्जी कंजप्शन कम होता है। ठीक है, अब ये फ्यूज थे, ये अपन ने कल भी देखा था, टंगस्टन जो अपन यूज करते हैं फ्यूज में, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और एकदम से गर्म होके तुरंत मेल्ट हो जाएगा और फ्यूज उड़ जाएगा। ठीक है, वन ऑफ द रीजन एक्सेसिव इलेक्ट्रिक करंट, जैसे डायरेक्ट अगर आपने टच कर दिया, ठीक है, वियर एंड टीयर कुछ हो गया, कहीं से फटा हुआ है वहां हाथ लगा दिया, तो वो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास होती है एमसीबी। एमसीबी की फुल फॉर्म ध्यान रखना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अलग अलग यूनिट्स, मान लो एक कमरे का अलग बना दिया एमसीबी, एक कमरे के अलग, ताकि सारे के सारे घर के एक साथ एमसीबी ना गिरे। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी वही रहता है, नॉर्थ साउथ, ये अपन ने कल चेक किया था। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो किसी कंडक्टर से, तो जैसे मान लो ये आयरन है, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट देने लग जाएगा, ये और जो दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेट इनको बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की पास करने की वजह से ये बनते हैं, तो ये कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्थ साउथ पोल बन जाते हैं और ये इनकी प्रॉपर्टीज आ जाती है। यही चीज यूज करी जाती है बेल में। ठीक है, बेल में ऐसे ही जैसे ही घंटा बजाया, तो जैसे ही दबाया, दबाते ही ये क्या हो जाएगा, पास होएगी और ये इसे टन 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 टक टक करने लग जाए। ठीक है, नेक्स्ट अपना चैप्टर है लाइट। लाइट वाले में देखो क्या दे रखे हैं। अब लाइट आपको पता ही है, लाइट फोटोन की फॉर्म में होती है, ठीक है, वेव्स की फॉर्म में भी ट्रेवल करती है, फोटोन की फॉर्म में भी। एक सेकेंड, तो ये लाइट अपने कहाँ से आती है, सन से आती है, और लाइट हमेशा ध्यान रखना है किस में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, कभी भी लाइट जो है टेढ़ी मेढ़ी ट्रेवल नहीं करेगी, हमेशा स्ट्रेट, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से क्या होता है अपने को, जैसे इमेजेस बनती है, पानी में इमेज बन रही है, मिरर में इमेज बन रही है, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, ये स्टोरी बता रखी है इन्होंने, खरगोश आया था, शेर था, शेर का रिफ्लेक्शन दिखा दिया तो ये बन गया। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे अपन प्लेट होती है अपनी, स्पून होती है, वहां से भी रिफ्लेक्ट होकर अपन मिरर का वो काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, जैसे ये अपना प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के यहाँ पे अपन ने कैंडल रखी हुई है, कैंडल वहां पे जल रही है। ठीक है, तो जितनी दूरी पे रहेगी उतनी पे ही रहता है, मान लो 5 मीटर दूर रखी हुई, तो अंदर भी 5 मीटर पे ही इमेज बनी हुई दिखाई देगी, 10 पे है तो 10 पे। अब दो तरीके की अपनी इमेज होती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। इनमें क्या अंतर होता है, रियल इमेज जो होती है वो अपनी अपन स्क्रीन पे कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे आप उसको देख सकते हो, वो हो जाती है रियल इमेज। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं ले सकते, तो जैसे जो अपना प्लेन मिरर होता है उसमें जो इमेज बनती है वो होती है वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब ये जो है सेम साइज की होती है, प्लेन मिरर में सेम साइज की होती है। अब कॉन्वेक्स कॉनकेव उसमें किस तरीके की बनती है वो वैसे डिटेल में मैंने लूसेंट वाले में करवाया था कि भाई ऐसे ऐसे आएगा कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस, बट ये आपका आगे आएगा इनके एप्लीकेशंस के हिसाब से। ठीक है, अभी अपन देखेंगे, जैसे कुछ कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं, जैसे मिरर है, मिरर में आपका राइट और लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट राइट हो जाता है, तो ये एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा होता है, क्यों, क्योंकि सामने वाले के मिरर में जब भी एम्बुलेंस दिखे तो उसको सीधा सीधा दिखाई देगा। ठीक है, एम्बुलेंस तो उसको रास्ता दे देगा, बेसिकली काम ये रहता है। एप्लीकेशन थोड़े थोड़े से ध्यान रखना, ठीक है, लेफ्ट वाला हैंड राइट में दिखेगा, लेफ्ट वाला राइट वाला लेफ्ट में दिखेगा। अब ये जो मिरर होता है, मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, देखो ये पॉलिश कर रखा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है कॉनकेव, केव से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये कॉनकेव, ये कौन सा मिरर है, कॉनवेक्स। ठीक है, इसमें मैंने बताया ही था, एक रे अपनी जो आती है, एक रे जो पैरेलल आती है वो अपन सेंटर से फोकस से पास करवाते हैं, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो बिल्कुल 90 डिग्री वहीं से मान लो। ठीक है, तो ऐसे करके अपन इमेज बनाते हैं, जैसे कॉनकेव मिरर है ये रियल इमेज बनाता है। ठीक है,
ये आपका जैसे लेंस भी यूज करते हैं अपन, मैग्नीफाइंग लेंस यूज करते हैं, ठीक है, उनके मिरर कहाँ यूज करा जाता है, डेंटिस्ट यूज करते हैं, ENT सर्जन वगैरह होते हैं, या फिर ईयर नोज थ्रोट का जो एग्जामिनेशन करना होता है डॉक्टर को, वो भी यूज करते हैं, ठीक है, साइज बड़ा बन जाता है इसलिए उसको हेल्प उनके मिरर से रियल इमेजेस भी बनती है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, ये जैसे ये बत्ती थी, इसकी इमेज यहाँ बन रही है, ये तो रियल इमेज क्या होती है, जो आपकी हम स्क्रीन पे कलेक्ट कर लेते हैं वो रियल इमेज, ठीक है, और ये वर्चुअल इमेज है कॉनकेव मिरर द्वारा, दोनों ही बनाता है वो अलग अलग अपन उससे हो जाएगी, नेक्स्ट वाले में मिलेंगे थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है, जैसे अब ये टॉर्च है, ये एप्लीकेशन ध्यान रखनी है, टॉर्च में भी ये गोल गोल होता है कॉनकेव की तरह, केव की तरह होती है, तो कॉनकेव मिरर अपन यूज करते हैं इसमें, ठीक है, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर की एप्लीकेशन ध्यान रखनी है, टॉर्च हो गया ये सब, ठीक है, अब ये है, ये ध्यान रखना है हमेशा, ये बार बार पूछा जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, बस ये ध्यान रख लेना कि हमारी जो गाड़ी में होता है वो होता है वैक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स, इसमें ऑब्जेक्ट्स अपीयर नियरर देन दे एक्चुअली आर, क्योंकि ये लिखा होता है उसमें पास में दिखाई देता है हमेशा, बस और आगे इतना कुछ है नहीं, ये अब यहाँ पे जैसे रेनबो है, ये सवाल मैंने डाला था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है आपका, ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है, इनकी वजह से ये चलता है, ठीक है, अब ये कॉम्पैक्ट डिस्क है, इसमें अलग अलग रिफ्लेक्शंस दिखते हैं, अब मान लो ये एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, जैसे सारे के सारे कलर अगर एक ही लाइट पे लगा के इसको घुमाओगे तो सातों कलरों किससे मिक्स होके क्या बनता है, व्हाइट कलर, जब इसको बहुत ज्यादा स्पीड में घुमाया जाता है तो ये कैसे दिखेगा, व्हाइट, ठीक है, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वाटर रिसोर्स, इसमें कुछ नहीं है, 22 मार्च को वाटर डे मनाया जाता है, और सिंपल चीजें हैं वाटर कंजर्वेशन और उन सबसे रिलेटेड, कुछ काम का है नहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, अब जैसे हाउ मच वाटर इज अवेलेबल, ये हमें पता है लगभग 3/4, 71% जो आपका कहाँ रहता है, कवर्ड विद वाटर ओनली, ठीक है, 3/4 हमारी धरती पे पानी ही पानी है, 1/4 पे अपना ही है, बैक्स वैक्स, हाँ ठीक है, ओके जी, बैक देखने के लिए वैक, ठीक है, ओके, ठीक है, पानी बचाना चाहिए, ये इसमें जनरल बातें करी गई हैं, वाटर साइकिल अपना होता ही है, ट्रांसपिरेशन और इन सब से आ जाता है, ठीक है, अब अपना क्या होता है, जैसे सॉलिड लिक्विड गैसियस फॉर्म में वाटर रहता है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, ठीक है, ये अलग अलग तरीके से, मान लो ये लेक है, यहाँ से उड़ेगा ऊपर जाएगा, फिर वापस रेन की फॉर्म में अंदर आएगा, इधर जाएगा, रेन पानी इनको मिला, ये ग्राउंड वाटर को भी ऊपर लेके जाते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं, ठीक है, कुछ नहीं है इस चैप्टर में काम की कोई चीजें नहीं है, इन्फिल्ट्रेशन, अब जैसे वाटर टेबल क्या होती है, पानी का जो सबसे ऊपर वाला लेवल होता है अंडरग्राउंड वो होती है वाटर टेबल, इन्फिल्ट्रेशन मतलब नीचे जब सीप कर करके पानी जब नीचे जाता है वो हो जाता है अपना इन्फिल्ट्रेशन, एक्वीफर क्या होता है, एक्वीफर होता है जब जो स्टोर्ड पानी होता है, ठीक है, वो होता है आपका एक्वीफर, अब ये अलग अलग बता रखे, हैंडपंप है ये वाटर टेबल है, नीचे जो है ये स्ट्रीम है, लेक है, ग्राउंड वाटर है नीचे की तरफ, डिप्लेशन अपना हो ही रहा है, जैसे पंजाब हरियाणा ये अपने को पता ही है, ठीक है, ज्यादा एक्सट्रैक्ट अपन कर लेते हैं पानी, उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है, पॉपुलेशन अपनी बढ़ रही है इस वजह से डिप्लेशन हो रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रीज हमारी बढ़ रही हैं, एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, क्योंकि पानी उसमें अपन यूज करते हैं, वाटर मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये है मैप इम्पोर्टेंट, ठीक है, रेनफॉल थोड़ा सा ध्यान रखना, अबव 400 देखो, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे 400 से ज्यादा रेनफॉल, ऐसे ही इधर वाले रीजन में, ये अपने को पता है चेरापूंजी, चेरापूंजी ऑफ हरियाणा, सवाल क्वेश्चन सबको कमेंट करना है, सबको आंसर करना है, ठीक है, 18 लोगों 18 आंसर चाहिए, सोना नहीं है कहीं, सो तो नहीं गए, यही चेक करना है, चेरापूंजी ऑफ हरियाणा ये सवाल भी मैंने पूछा था, ठीक है, यमुनानगर के आसपास एक जगह है, उस जगह का नाम बताओ भाई, ये अपना चेरापूंजी, ये इधर भी 400 से ज्यादा आपका मिलता है, ठीक है, ये इधर रेन शेड रीजन है, यहाँ पे कम मिलती है, हल्का फुल्का है ध्यान रख लेना, ज्योग्राफी में देखा होगा, वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, जब पानी को कंजर्व किया जाता है, जैसे बावरी, ठीक है, वेल, इन सब में होती है, ये कुछ ऐसे ही केस स्टडी दे रखी है, कम की नहीं है,
चिचरोली, शशि, दीक्षा, सतीश, प्रवेश, सोनिया, निभा, शक्ति, अंकित। वेरी गुड, चिचरोली बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, देखो ये तो चलो ठीक है। अभी काफी टाइम हो गया है वैसे, मतलब एक चीज जो मेरे दिमाग में चल रही थी कि हम इतने दिन बाद वैसे स्टडीज के कांटेक्ट में आए हैं, तो सब लोगों की पढ़ाई कुछ न कुछ थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी होगी, है ना। वो जो पढ़ाई डिस्टर्ब होगी इसको अब स्ट्रीमलाइन करना ही है। क्लासेस तो रिज्यूम हो गई हैं, अब रेगुलर बेसिस पे मैं भी डेली बेसिस की क्लासेस भी अपनी शुरू हो जाएंगी 2 से 3 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, अब जैसे अगले 2 दिन के अंदर अंदर हो सकता है कल मैं ल्यूसेंट की क्लास भी ले लूँ, अगर मेरी तबीयत ठीक रहती है तो आई विल टेक ल्यूसेंट क्लास। ठीक है, तो वो भी अपन देखेंगे। इसके अलावा किसी की कोई भी मतलब पर्सनल लेवल पे अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो अपन एक वो कर लेंगे, एक क्लास रख लेंगे 2 से 3 दिन बाद। ठीक है, 1 तारीख से पहले पहले, कि भाई आगे आने वाला जो पूरा महीना है उसको अपन कैसे बेस्ट तरीके से अपने को यूटिलाइज करना है एज ए बैच। ठीक है, अब सारा का सारा फोकस अपने को अपने बैच पे ही रखना है, और जो यूट्यूब है वो तो चलेगा ही चलेगा, नो डाउट अबाउट इट, उसमें भी चलेंगे, उसमें भी जो क्लासेस हैं वो भी आप लोगों के हिसाब से ही करी जाएंगी। ठीक है, चलो अब ये वाला जो चैप्टर है वो अपन, जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, एक जनरल सी बातें इन्होंने कर रखी हैं, एनिमल्स मिलते हैं, नीम, सीसम, सीमल, ये सब मिलते हैं, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, अब इसमें देखो क्राउन, क्राउन क्या होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो ये होता है इसको अपन बोलते हैं क्राउन। ठीक है, कैनोपी, क्राउन, कैनोपी जो आपका बाहर रहता है ऊपर वाला। ठीक है, सबसे ऊपर जो होती है कैनोपी, अंडर स्टोरी उसके नीचे, तो ये लेयर्स होती है, जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होता है ना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वैसे ही अपना ये रहता है। ठीक है, अब इसमें देखो फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड अपनी आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, फोटोसिंथेसिस आ रहा है। ठीक है, सोयल, वाटर, कुछ नहीं। अब ह्यूमस है, ह्यूमस सबसे बाहर आपकी मिलती है, एनिमल टिश्यूज, प्लांट टिश्यू जो डेड होके बन जाते हैं वो ह्यूमस होती है, ऑर्गेनिक मैटर, बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर। अब यही ह्यूमस है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये आपके इस ऑर्गेनिक मैटर पे एक्ट करके क्या करते हैं, इसको डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, कैनोपी एट द इक्वेटर, यस। अब इसमें और कुछ है नहीं, देखो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को काट दिया, कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, प्रिलिमिनरी में कुछ नहीं आएगा, मेंस में भी इसमें से कुछ ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, अब ये जो लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर इज अबाउट सीवेज और उसका वेस्ट वाटर की स्टोरी, ये वैसे ही स्टोरी की फॉर्म में बता रखा है। पानी आया 2005 से 15, अपन ने वाटर ऑफ लाइफ इंटरनेशनल डिकेड ईयर बनाया था। ठीक है, सीवेज क्या होता है, जो अलग अलग जगह से, होम, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल, ऑफिसेज, हर जगह से अपन वेस्ट वाटर को जो लेके आते हैं, इसमें क्या होंगे आपके न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, वेस्ट भी होता है, बैक्टीरिया भी होते हैं, अदर माइक्रोब्स भी होते हैं, ये सारी। ठीक है, इसमें फिल्ट्रेशन किया जाता है, जैसे ये देखो बार स्क्रीन, जैसे बीच में वो लगा दिए, मोटा मोटा सा बाहर निकाल दिया। ठीक है, क्लोरीन यूज करी जाती है, ये चीज याद रख लेना, क्लोरीनेटेड वाटर। ठीक है, ट्रीटमेंट किया जाता है, फिजिकल ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, अपन ने 2-3 चीजें देखी थी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बायोलॉजिकल क्या होता है, जो अपने बायोडिग्रेडेबल जो चीजें होती हैं उनको करने के लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जबकि जो और ज्यादा बायोडिग्रेडेबल से भी ऊपर केमिकल की फॉर्म में भी यूज करते हैं, तो बीओडी से ज्यादा होता है सीओडी, और एक होता है डिजोल्ड ऑक्सीजन। डिजोल्ड ऑक्सीजन जब 4 से कम हो जाता है, 8 से कम होते ही तो पॉल्यूटेड हो जाता है, 4 से 8 के बीच में अपन यूज नहीं करते, 8 से ज्यादा है तो अच्छा पानी माना जाता है, 4 से कम होता है डिजोल्ड ऑक्सीजन तो गंदा पानी माना। ठीक है, स्लज, स्लज होता है जो भी अलग यूज करते हैं, जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल अपन इसमें से हटाते हैं तो इसको जो रिमूव किया जाता है वो क्या कहलाता है, स्लज। ठीक है, और बाकी इसमें जनरल बातें हैं, पानी बचाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ठीक है,
ये अपना हो गया भाई चैप्टर, ठीक है। अब मुझे इन जनरल, चलो ठीक है, ये साइंस की आपकी क्लासेस हो जाएंगी अब कंप्लीट। पढ़ाई एक तो बताओ कि पढ़ाई कैसी चल रही है, ठीक है, हाउ इज इट गोइंग। कुछ भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट किसी को फील हो रही है कि सर इस चीज की जरूरत है, तो वो बताएं ताकि उस पे अपन फोकस कर सके, काम कर सके। किस किस की पढ़ाई कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है तो अच्छी करो, ठीक है। घंटे कमेंट करो कि भाई मतलब 4 से 6 घंटे चल रही है, ऐसे 8 चल रही है, 8 से 10 चल रही है, ताकि अब और ज्यादा पुश करना पड़ेगा, टाइम आ गया है, ठीक है। 1 महीना बहुत ही बेहतरीन तरीके से अब लगना पड़ेगा, HCS क्वालिफाई करना है, ठीक है। और UPSC अक्टूबर तक आ रहा है, तो UPSC जो लोग दे रहे हैं उनकी तैयारी और भी अच्छे तरीके से करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम है और अब अपन वो करेंगे। एक कमेंट करो मेरे को कितने कितने घंटे कौन कौन पढ़ रहा है, आई हैव टू गेट एन आइडिया कि बैच में सबका क्या चल रहा है। शशि वेरी गुड, क्या हुआ 3 लोगों ने ही कमेंट किया है। प्रवेश 5 to 6 hours, सोनिया शिफ्टेड टू कोची, कोई नहीं सोनिया, 1 or 2। अजीत दिस इज वेरी लेस यार, 4 hours। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है निभा वो तो। एक चीज तो मेरे को समझ में आ रही है, सबकी पढ़ाई की वाट लगी पड़ी है ना। चलो कोई नहीं, अब मेरे मतलब इस चीज को रिज्यूम करना है आप लोगों को भी, और थोड़ा सा आप प्रोएक्टिव हो जाओ यार, ठीक है। वेलकम आवर्स, गुड गुलशन। टाइम टेबल की प्रॉब्लम है, एक टाइम टेबल पे चलो मैं 1 2 दिन में वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। बेस्ट टाइम को यूटिलाइज करते हुए टाइम मैनेजमेंट पे एक वीडियो अपन बना के रिलीज करते हैं, ताकि ये आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, ठीक है। और कोई पर्टिकुलर आप लोगों की तरफ से रिक्वायरमेंट अगर महसूस हो रही हो पढ़ाई में, ठीक है, तो वो मुझे बताओ। कोई भी रिक्वायरमेंट आपको लग रहा है कि सर इस चीज की जरूरत है, इस चीज की जरूरत है, तो वो मुझे बताओ, ताकि अपन उस चीज को इनकॉर्पोरेट करेंगे। रिवीजन लगभग लगभग 1 तारीख से शुरू कर लेंगे सर, 1 तारीख का मैंने प्लान किया है। एक बार आपकी साइंस खत्म हो जाती है उसके बाद मैं शेड्यूल अपडेट कर दूंगा। एक टेंटेटिव डेट है 1 जून, 1 जून से 30 जून के अंदर अंदर अपन इसको खत्म कर देंगे। और कोई इश्यू कोई भी बताना चाहता है तो बताओ, नहीं तो फिर अपन क्लास को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। 2 मिनट और वेट करूंगा मैं, 9:50 तक, देन विल वाइंड अप द क्लास, अगर कोई भी कमेंट नहीं आता है तो। और कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है गुलशन, रिवीजन क्लास, टेस्ट सीरीज प्लस सेल्फ रिवीजन टाइम टेबल, ओके। साइंस 8th की हाफ ऑफ बुक, कोई नहीं वो देखेंगे सोनिया। 8th, 9th और 10th की डॉक्टर संजय लेंगे आप लोगों की क्लासेस, तो उन्होंने अपने तरीके से उस चीज को प्लान कर रखा है, उनका टाइम नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने 6th और 7th की क्लासेस ले ली थी। वो थोड़ा सा नोट्स की फॉर्म में कराएंगे, तो वो अपने हिसाब से। कोई नहीं सोनिया, अगर कुछ भी इश्यू रहता है ना तो
तो साइंस की जो लूसेंट वाली क्लासेस हैं, एक तो उनको देखो, ठीक है, और इनको आराम आराम से देखते रहना। कोई भी समस्या रहती है तो आप बोल देना, स्लो कराना स्लो कराना, कोई दिक्कत नहीं। निभा, ये जो डिफेंस और स्पेस का पोर्शन है, डिफेंस एंड स्पेस वाला जो पोर्शन है, वो करंट अफेयर की अभी वीडियोस रह रही हैं। करंट का पूछा जाता है मेनली। वो करंट के नोट्स अगर आपने देखे होंगे ना, तो वो नोट्स में मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है पिछले 2 साल का, बट उनकी वीडियो अभी मैंने बनाई नहीं है, वो बना देंगे तो वो उसमें आ जाएगा, ठीक है। डिफेंस और इसका आएगा, करंट अफेयर में आएगा, वो सारा का सारा नोट्स में चेक करना, वो सारे डाल रखे हैं, ठीक है। उसके वीडियोस भी मैं बना के डाल दूंगा। ठीक है, तो चलो करें, अब वाइंड अप करते हैं क्लास को, ठीक है। तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग एंड सी यू अभी टुमारो। तो देखते हैं, अगर मेरी क्लास हुई लूसेंट की तो हम कल, वैसे क्योंकि आप लोगों की कल साइंस की क्लास रहेगी, तो मैं सोच रहा हूँ 2 दिन अभी क्लासेस ना करके मंडे से एक परफेक्ट थोड़ा सा हो जाता है, मेरा भी रेस्ट हो जाएगा, और उसके बाद से फिर अपन चाहे रिविजन क्लासेस हो। अब मैं 2 टाइप के आप लोगों की रिविजन क्लासेस करवाना चाहता हूँ, मेन्स के हिसाब से और प्रीलिम्स के हिसाब से, ठीक है। प्रीलिम्स के हमारे नोट्स के हिसाब से जो शेड्यूल बना के मैंने दिया था उसके हिसाब से चलेंगे, और मेंस के हिसाब से दो दो क्वेश्चन डेली बेसिस पे प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे अपन यूपीएससी के, और प्रैक्टिस करेंगे लाइव, ठीक है। और उसमें मैं लिखने का तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो चलो देन, सी यू, एंड कल डॉक्टर संजय आप लोगों की क्लास लेंगे। तो वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, जय हिंद।